हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है जरूरत सिर्फ आगही की है आगही किस चीज़ से हम क्या जानना चाहते हैं हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है हम अपने दिन के बारे में जानना चाहते हैं हमारे दुनियावी मसाइल के बारे में हमारे फ्यूचर के बारे में हमारे पास्ट के बारे में या हम अपने प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए इन तमाम मसाइल के हल के लिए सोचने के लिए समझने के लिए इनका हल तलाश करने के लिए इन तमाम मसली मसाइल पर गौर फिक्र करने के लिए देखते रहिए आगे। बसमर रामीम अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है वालेकुम नाज़रीन मैं इमरान वहीद आपको आगही के एक और एपिसोड में खुश आमदेद कहता हूँ नाज़रीन अल्लाह ताला सूर नहल की नवे आयत में फ़रमाता है इन या मोर विल वल वहसान कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है अदल के मायने ही बराबर करने के होते हैं तोजुन को कायम करने के होते हैं जब तक अदल कायम नहीं होता इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते जो इंसान अदल पर ना हो उसका अपना नफ्सियातीवाज़न बिगड़ जाता है वो इंसान महरूमियों में मायूसी में बद बदअमली का शिकार हो जाता है इसी तरह जो मुल्क अदल वानसाफ़ को नाफि करने में कायम करने में नाकाम हो जाता है उस मुल्क का निज़ाम भी बिगड़ जाता है वो कौम महरूमियों का शिकार भी होती है जुर्म जुल्म और करप्शन में मुलविस भी होती है और पूरी कौम मिलकर ना शुक्री करती है ना कदरी करती है आज हम दुनिया में देखते हैं वो कौमें जो इनफरादी गुनाहों में मुलविस हैं वो गुनाह जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है मगर उन्होंने अपने मुल्क के अदल के निज़ाम को बिगड़ने नहीं दिया तो वो आज भी तरक्की कर रही हैं मगर वो कौमें जो इनफरादी गुनाहों में भी मुलविस हैं और अपने मुल्क के अदल के निज़ाम को भी बिगाड़ दिया है वो कौमें बहुत जल्द बर्बादी के दहाने पर पहुँच जाती हैं अली रदी अल्लाह अनु फरमाते हैं मुल्क कुफर से बच सकते हैं जुल्म से नहीं जुल्म के मायने अल्लाह के कवानीन को जानते बूझते नज़रअंदाज़ करने के भी होते हैं एक होता है अल्लाह को भूल जाना और एक होता है अल्लाह को भुला देना भूल जाने वालों को अल्लाह दरगुजर करता है भुला देने वालों को नतज भुगतने पड़ते हैं जैसे कि आज हम अपने मुल्क में भुगत रहे हैं हम मुसलमान हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमें ना मुसलमानों वाली सोच है ना तालीम है ना अखलाक है ना किरदार है हमने बल्कि फरामोश कर दिया है हराम मलाल हक और बातिल के फ़र्क को यही वजह है कि आज हम इज्तमी हैसियत में भी बेयकीनी परेशानियों का शिकार हैं और बहसीत कौम एक तरफ हम दहशत गर्दी फ़िरका वारीत को भुगत रहें और दूसरी तरफ ज़बान और कौमियत का तस्ुब हमारे अंदर इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि हम आज एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हमारे मुल्क में आज जायज़ काम बगैर रिश्वत और सिफारिश के होना नामुमकिन है क्योंकि हमारे सरकारी महकमे और इदारे करप्शन और ब्लैक मेलिंग का अड्डा बन चुके हैं एक तरफ़ हम एक बासर तबके को अपनी दौलत ताकत और वाकफियत की बिना पर बड़े बड़े जराइम करने के बावजूद बग़ैर किसी डर खौफ के आज़ाद घूमते हुए देखते हैं दूसरी तरफ हमारी आवाम अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए अपनी अपने अपने, अपने आप को पहुँचने वाली अजियतों उनके अज़ालों के लिए इंसाफ के लिए मारी मारी फिरती हैं अदलिया और चीफ जस्टिस साहब की बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट की सतह तक हमें तब्दीली नज़र आई बेहतरी नज़र आई हमें एक उम्मीद मिली है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ मगर जो हालत मातहत अदालतों की है लोअर कोर्ट्स की हैं जहाँ एक आम आदमी का वास्ता होता है वहाँ परेशान कन करप्शन भी है और एक इबरतनाक अजियतनाक माहौल है जिससे एक आम इंसान को गुजरना पड़ता है इंसाफ़ मिलता है लेकिन इतनी तखीर से कि इंसाफ अपनी अफादियत खो देता है इंसाफ मिलता है वहाँ मगर इतना महंगा कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ और अदालती हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज हमारे मुल्क में बदमाश करप्ट और जराम पेशा लोग धमकाते हैं मासूम लोगों को शरीफ लोगों को कि तुम्हें अदालतों में मुकदमों में फंसा कर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम अदालतों के चक्कर लगा लगा कर बूढ़े हो जाओगे तुम्हारी जान नहीं छूटेगी आज मुल्क में अगर देखा जाए तो जुल्म का निज़ाम है कानून कमज़ोर के लिए कुछ है ताकतवर के लिए कुछ है अमीर के लिए कुछ है गरीब के लिए कुछ है यही वजह है कि आज आवाम इनसिक्योर हो गए हैं मजबूर हो गए खुद गर्ज बनने पे, मजबूर हो गए अपना और अपने बच्चों का सोचने के लिए कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है कुछ लोगों ने गलत रास्ते चुन लिए हैं कुछ लोग हराम हलाल की तमीज़ से बेनियाज हो गए हमें ये मामले को यहाँ रोकना होगा पाकिस्तान को बचाना होगा पाकिस्तान को इन हालात से निकालना होगा पाकिस्तान को इन हालात से निकालने का वाद हल अदल और इंसाफ के नफाज में है आज हमारा यही मौजू है कि पाकिस्तान में हम इंसाफ के निज़ाम को कैसे यकीनी बना सकते हैं इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं मैं सबसे पहले तारुफ़ कराना चाहूँगा जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब का जो डीन है फैकल्टी ऑफ लॉ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक सबक जज भी हैं और सब इनको जानते हैं किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं उनके साथ तशीफ रखते हैं जावेद अहमद काजी साहब जो एक एडवोकेट हैं और एक मीडिया पर्सन है ये भी किसी तारफ़ के मोताज नहीं हैं आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुबशर मीर साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं रेजिडेंट एडिटर हैं रोजनामा पाकिस्तान के आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए उनके साथ एक और मोहतरम शख्सियत तशीफ रखते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के इलेक्टेड काउंसलर भी हैं हम इन्हें पाकिस्ता, पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जानते हैं आपका भी बहुत शुक्रिया आ, मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक दफ़ा फिर इस मौजू पर बात करने से पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने इसके तीन हिस्से इस मौजू के किए हैं पहला हिस्सा पे हम बात करेंगे कि जो अदल का निज़ाम है जो एक रियासत के अंदर राइज होता है जो गवर्नेंस गवर्नेंस से रिलेटेड होता है उस पर हम बात करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों वो निज़ाम इफ़ेक्टिवली हमारे मुल्क में राइज नहीं हो सका दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो अदालती माहौल है वहाँ जो मसाइल हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता या देर होती है उस पर हम बात करेंगे तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो आम लोग हैं वो क्यों कानून चिकनी में इन्वाल्व हैं जब तक वो कानून चिकनी में इन्वॉल्व हैं तो ये मसाइल जू के तो रहेंगे तो मीर साहब सब सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्योंकि एक सहाफ़ी भी हैं और आपका मताला भी है और आप ऑब्ज़र्व भी करते रहें क्यों पाकिस्तान में वो सिस्टम इफ़ेक्टिवली जस्टिस का डवेलप नहीं हो सका जिसकी वजह से हम जो है आज इस हालत को पहुँच गए बहुत शुक्रिया इमरान साहब बड़ा वसी सवाल आपने कर दिया आपने इंट्रो में अदल इंसाफ की जो आयत पड़ी है तो इंसाफ जो है वो एक बड़े वसी मानों में आता है कि वो सिर्फ़ हम रूटीन में तो जजा और सजा के हवाले से ही इंसाफ को देखते हैं लेकिन हर सतह पे मेरा ख़्याल है कि जो जहाँ पे बैठा है जिस हसीत में कोई काम करता है एज ए जर्नलिस्ट मैं हूँ या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है तो हर कोई अपने काम से भी इंसाफ़ करना जो होता है वो भी होता है यहाँ पे हम अदलिया की बात कर रहे हैं तो उस हवाले से आपने कहा कि क्यों नहीं हो सका तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो मेरा ख़्याल है वो एक एक तवील एक हमारे सिस्टम की जो दास्तान है जिसमें पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री है तो उसमें आप देखेंगे जो पहले बरतानवी दौर था उसमें जस्टिस जो थे उनकी बड़ी जो है वो होती थी एक कदर होती थी और एक बड़ा उनका दबदबा होता था लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जस्टिस जो हैं उनकी कदर और दबदबा कम हो गया और जर्नल्स जो हैं जर्नल आर्मी जर्नल्स जो हैं उनका दबदबा जो है वो बढ़ गया तो ये एक बुनियादी फ़र्क जो है हमारे शिफ्ट आया और ये अब देखें कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का वो बर रास्त असरानंदाज़ हो रहा होता है हर सिस्टम पर असरानंदाज़ हो रहा होता है अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा असरानंदाज़ हुई है पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि अगर गैर आइनी इकदाम भी हुए हैं पाकिस्तान में तो वैलिडेशन थ्रू अदलिया ली गई है और अदलिया को फिर पोलिटिसज़ किया गया है सेकेंड बात यह है कि जो लोग आप कोई भी आप सिस्टम लाएंगे किसी भी शोबे में लाएंगे आप जजेस का तकर करेंगे जब तक आप बेहतर लोग नहीं लाते होते तब तक आप बेहतर सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते तो अदलिया की जो एक सूरत हाल है जिसमें जजेस बनने का लोअर कोर्ट्स में तो आपका एक सिस्टम उस तरह का है कि आप कानून का इम्तहान पास करते हैं फिर उसके बाद आते हैं लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की आला अदालतें हैं जिसमें हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो उनका तकरर होता है पहले उसके अंदर भी एक जो है ना बड़ी एक्सप्लाइटेशन है कि एक तो हुकूमत वक्त जो भी होती है वो अपनी मर्जी के जज अपॉइंट करती है फिर एक ख़ास पीरियड के लिए उनको टैंप्रेरी जज रखा जाता है कि इनको हम देखें कि ये हमारे साथ किस हाथ तक चलते हैं तो ये देखें कि इसका बुनियाद ही धोखा दही और एक फेवरेटिज्म के ऊपर है तो वो जज जो है अगर वो कुछ अरसे के लिए जो है वो इस अंदाज़ से भी एक साल दो साल गुजार लेता है परमानेंट होने के लिए उसके बाद जो है वो उस दौरान उससे इस तरह के काम करवाने की कोशिश की जाती है तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो जिस तरह असरानंदाज़ हुआ है अभी तक पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उसने उसमें बेशक फ़ौजी हुकूमतें हुई हैं या सियासी हुकूमतें हुई हैं सब ने रवैया एक ही रखा है हर एक ने एक बड़ी जो है ना ख़ास बात है हमारी हिस्ट्री की जो 64 इयर्स की हिस्ट्री है कि कोई भी हुकूमत में आता है वो पूरे सिस्टम को अपने अंदाज़ से बनाने की कोशिश करता है मैं कि वो इदारों को बर्बाद आप देखें अदलिया पे हमले होना अब अपना चीफ़ जस्टिस जो है उनके ऊपर जो है लड़ाइयाँ होना या अदलिया की बहाली की तारीख की हम बात करें उससे पहले जो है वो मार्शाला को जो है वो वैलिडेट करने की अगर हम बात करें कई लोगों को जो है वो फिर एथिक्स की बात है एथिक्स की बात यह है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो सियासी जमातों के एम के इलेक्शन लड़ते हैं लॉयर और वो इलेक्शन हारते हैं उसके बाद उनको जज बनाया जाता है ये देखे ये गैर अखलाक़ी हरकत है मेरे हिसाब से ये एथिक्स नहीं है एक जज बनने की अच्छा इंसाफ का जो हमारा सिस्टम है उसमें एक चीज़ बड़ी आम है देखें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक लेवल से भी कोशिश करके पब्लिक ने हासिल करनी शुरू कर दी है मसला तालीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी अब आपको अवेलेबल हो रही है हेल्थ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए लेकिन अदलिया का सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता इसको हुकूमत के थ्रू ही आना है और हुकूमत का जिस तरह का ऊपर गलबा है जिस तरह अपनी मर्जी के साथ अदलिया को चलाने की कोशिशें हैं जिस तरह डिले टैक्टिस होते हैं क... आप जो बात कह रहे हैं आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स की एक तो मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स पे पे की करनी दूसरी एक चीज़ है इमरान साहब की जो सोच है बुनियादी तौर पर जो सोच की मैंने बात की है कि सिस्टम को अपने मुताबिक चलाना अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश कि किस तरह जो है अगर कोई भी मुल्क का वज़ी अजम है सदर है या कोई भी ऐसी अथॉरिटी है तो वो जब ये कहता है कि कोई बंदा सांस भी ले तो मेरी मर्जी से ले तो उस तरह चीज़ें जो हैं वो बिगड़नी शुरू होती है अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा जो बात मुबशर मीर साहब ने की मैं इसी से आप एक सवाल जोड़ कर आपसे जवाब लेना चाहूँगा कि जो मीर साहब ने कहा कि ऊपर से ये शुरू हो रहा है बेसिकली जो इंसाफ के मामला बिगड़ रहे हैं कि ऊपर अगर गलत लोग आ जाते हैं क्योंकि नीचे इदारे नज़ाम इतना वीक है कि वो उनको उनसे टकरा नहीं सकता डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को तो वो क्लेप्स कर जाता है और वो जो शक जो भी लोग अगर इनकॉम्पिटेंट या नाअहल या करप लोग बैठ जाते हैं तो पूरा इदारा बैठ जाता है मुल्क में बैठ जाते हैं तो पूरा मुल्क बैठने लग जाता है तो बेसिकली तो मामला तो ऊपर ही नज़र आ रहा है ना और तो आप, आप इसके बारे में क्या कहेंगे क्योंकि आप तो बेसिकली सियासी नज़रिए से भी इस चीज़ को देखेंगे तो कैसे देखेंगे जी मैं बसमानी मैं आपके सामने छः सात नुक़त रखना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा जो आखिरी नुकता था वो आपने पहले ले लिया लिहाजा वहीं से बात शुरू करते हैं मैं समझता हूँ कि क्यादत और लीडरशिप जो है ये बेानतहा ज़रूरी है ये कौम के आईकॉन्स बनते हैं और इसके अंदर फाइनेंशल ऑनस्टी और लीडरशप और भरोसा जब होता है तो लोग और कौम उसी को फॉलो करती हैं और मैं आपको मिसाल दूँगा इस्लामी तारीख़ से हजूर इक्रमली व्लम ने जब वो पहाड़ी पर चढ़ ये कहा कि मैं तुमको अगर ये कहूँ कि इधर फ़ौज आई हुई है तो तुम इस पर यकीन करोगे तो लोगों ने कहा कि हाँ हम यकीन करेंगे और क्यों यकीन करेंगे कि भरोसे के काबिल थे अमान अमीन थे अमानत दारी की और इसी अंदाज से आप हमेशा देखिए कि जैसी लीडरशिप तो कौम उससे सीखती है अगर आपकी क्रिकेट लीडरशिप होगी तो कौम उससे सीख ये आइकॉन्स होते हैं माशरे के अगर हज़रत उमर यानी अपनी तारीख से भी लें और फिर वेस्टर्न तारीख़ में भी आपको आज मिल जाएंगे ऐसे वाक़ात हज़रत उमर अगर कटेरे में जाएँ तो किसी एक आम आदमी की कंप्लेंट uh, के ऊपर भी जाएंगे और वो चैलेंज कर देगा कि जी इसका विटनेस नहीं चलेगा और इसका नहीं चलेगा तो सब चीज़ें रही जाए रखी जाएंगी और उनके ख़िलाफ़ भी फैसला हो सकता है तो ये ये लीडरशिप की मिसाल होती है जिसको फिर कौम बड़े शौक से देखती है और कहती है जब उसके साथ हो सकता है वो सबसे अमीर आदमी है या वो सबसे ताकतवर आदमी है जब उसके साथ इंसाफ हो सकता है तो मुझे भी उम्मीद है और हर शख्स चैलेंज हो जाता है जो नाइंसाफ़ी की बात कर रहा हूँ वो चैलेंज आता है मैं आपके सामने ये एक नुकता था जिस पर मैं आना चाहता था आपने उससे सवाल किया मगर मैं इसको सिंपल अगर मैं डिसाइड करूँ तो मैं समझता हूँ कि पाँच सात नुकात होते हैं जिसमें माशरे के अंदर लोग जुर्म नहीं करते या करप्ट नहीं होते सात नुकात ऐसा जो प्रेशर्स होते हैं ना जिसकी वजह से लोग नहीं करते या करते हैं एक तो माशरा खुद होता है यानी माशरा खुद मिसाल के तौर पर कि मेरा खानदान है मेरे दोस्त हैं मेरे मेरे मेरी औलाद है तो मेरी औलाद भी बड़ी है अगर मैं करप्शन करूँगा तो मेरे जहन में यह बात आता है कि मेरा बेटा क्या सोचेगा यानी सारी ज़िंदगी मैंने उसको किसी कुछ अकदार की बुनियाद पर उसको बड़ा किया अगर मैं कोई जुर्म करूँगा तो वो क्या सोचेगा एक शर्म होती है एक हया होती है माशरे के अंदर जो एक अच्छे माशरे के अंदर ये माँ बाप की तरबियत तरबियत से और बहुत सारी चीज़ों से आती है तो पहले तो एक सो माशरती प्रवेंशन होता है जिसमें दूसरा होता है मजहबी यानी मुझे इस बात का खौफ होता है कि आख़रत में क्या होगा मेरे साथ लिहाजा मैं इसके साथ जुल्म नहीं करूँ लिहाजा मैं छुप कर ये काम नहीं करूँ जो इंसान मुसलमान रोज़ा भी रखता है ना तो छुप कर भी पानी नहीं पीता है ना उसको मालूम है कि अल्लाह को पता चल जाएगा या है न? तो इस तरह से एक फिर मजहबी रेजिटेंस है और ये बहुत अहम होता है लोग अगर सेकुलर माशरे के अंदर बात करते हैं तो सेकुलर माशरों में दूसरी चीज़ें आती हैं जो मैं बयान करूँगा मगर ये अगर हथियार हमारे पास है मज़हब का इसको एक्सप्लॉयट कर कर पोलिटिकली ख़राब किया गया है मगर जो इसके अहम सतून है उस पर अहमियत नहीं देगी तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक कल्चरल कैफियत होती है यानी मैंने माशरती बात की कि जो मैं अपने इधर उधर देखूंगा एक कल्चरल ये होती है कि हिंदू मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर अगर न्यू औरलियन में डिज़ास्टर हुआ तो लोगों ने खूब तोड़फोड़ की और चोरियाँ की सही ठीक है ना न्यूयॉर्क के अंदर बत्ती गई थी तो फिगर्स ये थे कि थ्री वन आउट ऑफ थ्री पीपल कमिटेड अ क्राइम इन न्यूयॉर्क सिटी जो आठ दस घंटे भेजी गई मगर जापान में जब न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ इतना बड़ा डिज़ास्टर था उस माशरे के अंदर ये चीज़ें नहीं हुई है तो इसका मतलब उस कल्चर के अंदर एक रेजिस्टेंस है कि ये घटिया बात नहीं करेंगे आजमाइश के अंदर भी लूटमार नहीं करेंगे हैं तो, है। तो तीसरी बीत मैं आपके सामने रखी अच्छा चौथी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सज़ा की कैफियत यानी तो चौथी चीज़ आप उसको ये समझ लीजिए कि, कि कानून पकड़ेगा ठीक है हैं अगर आप आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात ये कही थी कि आम आदमी जब करता है या सिग्नल तोड़ता है ये करता है वो करता है बहुत सारे काम करता है उसको खौफी नहीं पकड़े जाने का जब उसको खौफ नहीं है पकड़े जाने का और वो फिर लीडरशिप की तरफ देखता है वो भी नहीं पकड़े जा रहे तो लिहाजा वो भी आज़ाद हो जाता है वही आदमी यहाँ लाइन ला, नहीं बनाता मगर दुबई उतरता है तो वह हर काम के लिए लाइन बनाता है है ना तो लिहाजा एक खौफ पकड़े जाने का अच्छा उसके बाद जो है छठी चीज़ है वो सज़ा की है अगर एक तो पकड़ा जाना फिर सजा मिले यानी पाकिस्तान के अंदर आप मुसलसल ये कैफियत देखते हैं कि पकड़े जाते हैं उसकी तहकीकत भी होती है फिर सज़ा भी नहीं मिलती और तहकीक़ा के अंदर विटनेस गायब हो जाते हैं मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपका यह गैर सियासी सी कैफियत है मगर ये कि अभी पिछले दिनों यह हुआ कि बहुत बड़ा आदमी किसी स्कैंडल में पकड़ा गया और विटनेस भी गायब हो गए और कोर्ट मजबूर है कि उसको सज़ा नहीं दे सकती तो उसके बाद जजा की कैफियत है यानी जजा की कैफियत ये होती है कि एक एक माशरा अप्रिशिएट करता है इज़्ज़त देता है गौस मोहम्मद साहब यहाँ बैठे हुए हैं है ना मैं जानता हूँ दैनतदार आदमी है तो माशरा एक इनको इसको एक अप्रिशिएट करता है इनकी इज्जत होती है तो जिन माशरों माश्रो, के अंदर दैनानतदार आदमी की इज़्ज़त होती है तो वहाँ दैनतदार आदमी पनपता है और जिस माशरे के अंदर सिर्फ पैसा माल और दौलत और करप्शन इनकी इज़्ज़तें होने लगे तो फिर माशरा दयानतदार लोगों को ऊपर नहीं ला लाता तो और दूसरी बात जजा के एतबार से मैंने ये भी कही जैसे नैब ऑर्डीनन्स है ना उसके अंदर यह था कि ये आदमी अगर कोई बात खोलेगा तो इसको ये इनाम मिलेगा तो जज़ा की भी सज़ा के साथ जजा भी चलती है जिस अंदाज से भी हो तो ये मैंने आठ नुकात आपके सामने रखे और फिर मैं सिर्फ एक बात आपके सामने कह दूं अब मैं एक आम आदमी के एतबार से बात कर रहा हूं तो आपको उसका पहराया मिल जाएगा आम आदमी के एतबार से मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा इनसे झगड़ा हो जाए तो पहली ख्वाहिश मेरी ये होगी कि कोई मेरा इनका झगड़ा निपटा दे कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए तो कभी तो वो खानदान कर लेते हैं बुजुर्ग कर लेते हैं दोस्त कर लेता है मगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए पहला लेवल तो यही है ना कि भाई तुम भी ताकि बजाय इसके कि मैं इनको मारूँ इनकी चीज़ ले जाऊँ ये करूँ तो कोई माशरे के अंदर कोई लोग हों जो इसको डिस्प्यूट कर, रिजॉल्व करें दूसरा लेवल होना चाहिए पंचायत के अतबार से कि अगर नहीं हुआ इस आना से तो बाकायदा कोई इदारा हो है ना जो पंचायत के अंदर फिर या आर्बिट्रेशन हो है। तो मैं तो उस बात से जा रहा हूँ कि ये मौजूदा कानूनी निज़ाम मेरे लिए बहुत महंगा है और मैं समझता हूँ कि आम इंसान के लिए भी महंगा है डॉक्टर साहब आप, आपने अभी तक की गुफ्तु सुनी ना तो मैं मैं आपसे ये आ, सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे जो सिस्टम पर बात हुई सिस्टम एट प्लेस पर बात हुई इसमें अपॉइंटमेंट्स पे बात हुई इसमें बात हुई कि जो माइंडसेट आकर गवर्नेंस में बैठता है वो अपने मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करता है इदारे बनने नहीं देता मेरिट को ख़त्म करता है और हमने ये तक देखा जैसे चीफ जस्टिस साहब की के बहाली के वक्त के जो मूवमेंट चली कि जो इंसाफ़ देने वाले हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं तो आप क्या कैसे देखते हैं सूरत हाल को देखिए जस्टिस का जो है इंसाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है नज़रिया है उसका इंसान की हर एक्टिविटी से उसका ताल्लुक़ होता है कोई उससे मिना अलग नहीं है और आंद्रे गायत का एक कॉल है कि साहब एवरी थिंग हैज़ बीन सेड ऑलरेडी बट एज़ नो एज नो वन लिसन्स वी मस्ट से अगेन एंड अगेन बहुत कुछ ये रहा है फोटी सेवन तक तो देखिए हमारे पास जो निज़ाम था वो हमें पता है अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए बात यह है कि जुडिशरी का डीरेडमेंट जो शुरू हुआ है वो जस्टिस मुनीर के ज़माने से शुरू हुआ है और ये चला है जस्टिस डोगर तक लेकिन एक एक्सेप्शन मौजूद है और वह है आसमा जिलानी के केस में जबकि के रहमान साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कहा कि नहीं हम इस को लॉ ऑफ नेसेसिटी को वो बिल्कुल हमेशा के लिए बैरी कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं वो भी कब जब जनरल यहाँ खान रुख़त हो गए उससे पहले नहीं ये जजमेंट बाद में आया है उनके रुखसती के बाद तो एक तो ये फैक्टर था कि बीच में जो मार्शल लॉ पीरियड रहे हैं कहा यह जाता है कि साहब इसमें है देखिए सही बात तो यह है कि जहाँ मार्शल लॉ होता है वहाँ लॉ नहीं होता है और जहाँ लॉ होता है वहाँ मार्शल लॉ नहीं होता है ठीक है भी भी दूसरी चीज़ यह कि इतनी तमाम कोशिश की गई कमीशन बनाए गए कमीशन बनाए गए, गए। रहमान कमीशन है और कमीशन बना और साहब का कमीशन तमाम सब वो जितनी सिफारिशात हैं आज बुक फॉर्म में मौजूद हैं मैं बिला खौफ तर्ददीद कह सकता हूँ कि उन पर ऐसे अमल हुआ जैसे कि ना अमल करने के बराबर है पीस मील हो रहा है तो ये तो इससे तो कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिल सकते महज कमीशन बनाने से या उससे तो नहीं होता एक बात तीसरी चीज़ ये है कि देखिए कोई मखलसाना एफर्ट्स कभी नहीं की गई कि भाई कम अज़ कम अदलिया को हम इतने ताकतवर बनाएं कि ये ऐसे हों कि ताकि लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस उसमें रिस्टोर हो सके और फिर वो इधर उधर कहीं ना जाएं और इसके साथ साथ देखिए अब जैसे कि मैं कराची की मिसाल पेश करूं सिंध हाई कोर्ट की 40 वैकेंसीज हैं परमानेंट वैकेंसीज हैं आप क्यों नहीं भरते हैं उनको क्यों 14 या 17 या सोलह जजेस सिर्फ काम कर रहे हैं एक डेढ़ सौ दो सौ का रोस्टर अगर होगा वो कितने केस चलाएंगे दिन भर में कितने जजमेंट लिखेंगे एक बात फिर मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होता है पॉलिटिकल कंसिड्रेशन पर सिलेक्शन होता है अभी कहा गया है और मिसालें मौजूद हैं और अब भी हो रहा है कि साहब इलेक्शन में हार गए चलो इन्हें जज बना दो फना बना दो तो ये तो है अपर लेवल का आपका जस्टिस इफ्तखार साहब के जो मूवमेंट थी ये तमाम रेस्टोर हुआ लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई लेकिन अब इस वक्त स्टेगनेशन आस्ते आस्ते आ रहा है क्यों आ रहा है जबकि हायर लेवल पर देखिए उस वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जजमेंट्स तो आम आदमी क्या सोचेगा फिर आम लोगों का ताल्लुक होता है मतहत अदालतों से मात अदालतों की जो हालत है वो मुझको ही पता है आपको ही पता है कि अभी तक उनका वो आवाम का वो अहतमा जब अच्छा, हम इस पर आएंगे डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं यहाँ आपसे करूँगा इसका भी आप एक क्विक रिस्पॉन्स दे दें आपका कहने का जो आपकी बात से गुफ्तु से मुझे नज़र आया कि एक एक सेटअप एक एम्पावर्मेंट या जो ज़रूरत थी जिस चीज़ की अदलिया को वो नहीं दी गई मैं थोड़ा सा इससे अभी हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो टोटल एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है जिसमें अदलिया भी होती है जिसमें इस्टेबलिशमेंट भी है और भी इदारे हैं तो उसमें क्या शख्सियात बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं या सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है देखिए असूली तौर पर सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है सिस्टम को मजबूत करना चाहिए शख्सियत को नहीं शख्सियत तो आने जाने वाली चीज़ें हैं लेकिन इसे हम कहते हैं जस्टिस देखिए इंसाफ का निज़ाम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पहले भी था और अब भी है, अब भी है। लेकिन हमने उसको मजबूत नहीं किया होता क्या है कि जनाब जब आप अपोजिशन में होते हैं हाँ ये वो तमाम सब और उसके बाद जब आप हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है मैं फिर वही सवाल करूंगा हाई कोर्ट की पोस्टें आपने क्यों खाली रखी हुई हैं लेकिन आप मैं बताऊं आपको देखिए नर्सरीज़ जो थी आपकी जहां से कि अच्छे बोकला पैदा होते थे वो लॉ कॉलेजेस होते थे तालीम का बेड़ा गर्क हो गया है लॉ कॉलेज का एल की डिग्री का भी सत्यानाश हो गया है है या नहीं है एलएलबी को तो आप भूल जाइए वरना यही एलएलबी थी यही बीएल थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ कानूनदान पैदा किए और उससे इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टीनेंट के अंदर एक बात अब वहाँ पर क्या है बाहर में जब लोग आते हैं तो पहले लोग पढ़ा करते थे चैम्बर्स में बैठते थे तमाम सब होता था अब जनाब वो चीज़ नहीं है अब रिजल्ट यह है कि कहा जाता है कि साहब फिकदान है अच्छे लोगों का हम कहाँ से लें तो लिहाजा इन्हीं में से लेना है हमने तो जो लोग अब क्या करते हैं फिर जो लोग नहीं डिज़र्व करते वो सियासी बेसाखियों पे आके बैठ जाते हैं चाहे वो इलेक्शन लड़े ना लड़ें तो नतीजा क्या है कि सिस्टम कहाँ से कहां मजबूत होगा अच्छा जवेद साहब कई साहब मैं आपसे ये जो गुफ्तु अभी हो रही है आप इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि ये जो सिस्टम को मजबूत होना था पाकिस्तान में पूरी दुनिया में डेवलप हो गया हर तरक्की याफ्ता माशरे में इंसाफ का सिस्टम गवर्नेंस से लेके नीचे तक एक सिस्टम नजर आता है इदारों में महकमों में सिर्फ अदलिया में नहीं हर जगह इंसाफ हमें नज़र आता है मेरिट नज़र आता है हमारे यहाँ ये डेवलप नहीं हो सका क्या वजह आपको नज़र आती है बहुत सारी बातें है, हुई हैं और एक, आ, एक वो जो है बातें सुन के भी तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके फोकस पे भी चलता हूँ हम 1947 पे जाएंगे हमें जाना चाहिए आप उसको आज़ादी की तहरीक कहें जो भी कुछ कहें कानून नुक नगार से या एक वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस था 46 सिक्स में इलेक्शन जीती सब थे इंडिया में थे आ, पहली मरतबा मुस्लिम लीग जो थी वो सारे मुसलमानों की पार्टी बन के उभरी जो कि नाइनटीन थर्टी के 1935 थर्टी फाइव और जी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इलेक्शन हुई उस पर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई थी तो नेहरू साहब ने कहा कि आप मुसलमानों के लीडर तो हैं नहीं तो उनके पास भी एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह होते थे और इस तरह से वो कहते थे कि हम जो है वो मुसलमानों की भी पार्टी हैं लेकिन फोर्टी सिक्स में हमारी मुस्लिम लीग ने ये बताया कि हम मुसलमानों की नुमाइंदा पार्टी तो, तो दैट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वो फोर्टी सिक्स की इलेक्शन जो थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल का मैंडेट था उनको कि जो आप आइन बनाएंगे जो आ, आपने देखा फिफ्टी फोर तक वो सारी की सारी असम्बली जो वहाँ से निकल के यहाँ आई हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया आ, एक होती है लीगलिटी एक होती है वैलिडिटी एक होती है लेजिटिमेसी अब एक वैक्यूम आया पावर से हमारे बहुत सारे दोस्त वहीं से आके यहाँ पे इंस्टॉल हुए यहाँ पे जो एक जिस तरह ना आपके किडनी में आपके फिट कर दूँ यहाँ पे वो किडनी जो है आपके ब्लड से टिश्यू से रिस्पॉन्ड करते करते टाइम लेती है या न करे तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और सबसे बड़ी बात हमने अपना एक लीडर खो दिया बहुत जल्दी उनका अंतकाल हो गया जो बहुत ही बड़े विजन के लीडर थे उनके पास बहुत बड़ी चीज़ थी ठीक है जिस तरह उसकी एक जुदा डिबेट है कि वो खुद चीज़ें किस तरह चलाते थे जहाँ उसकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म नहीं था अगर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होता पार्टी के अंदर पार्टी पार्टी होती ऑर्गेनिक फॉर्म की पार्टी होती तो कायद आज मोहम्मद अली जना के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग यू ना हो जाती वो, वो, वो चले जाते हैं लीडर कैप्टन कम एंड गो टीम तो चलती रहती है लेकिन वो एक टाइटल वाला मामला जो है एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वेक्यूम बहुत तेज़ी से पुर हुआ फोज आ गई वो फौज इसलिए नहीं आई कि आप जिस तरह से कहें कि आर्टिकल सिक्स आयन में डाल देंगे और कहेंगे कि जी अब कल पसूँ का हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि आयन में वाजह है कि छोड़ेंगे नहीं हम आपको और बिल्कुल सजाए मौत होगी उसको उसके बाद हमने एटीन अमेनमेंट में ये भी कह दिया कि जो जज साहबान वो जो कोलोबोरेशन का एक नया वर्ड उन्होंने ऐड किया आर्टिकल सिक्स के अंदर उनको भी सजाए मौत होगी और वो एक ऐसी आप तहज़ीब याफ्ता दुनिया का मुल्क ले रहे हैं जो कहता है हम आइन में डालते ही नहीं हैं भाई काय का आइन में डालना के सजाए मौत होगी किसी को फिर भी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ डाल डाल के डाल डाल के बैठ जाओ फिर भी ज़रूरत हो जाती है लुक इट लीगलिटी लेजिटिमेसी वैलिडिटी बंदा आ गया कोर्ट को तब्दील कर दिया जस्टिस मुनीर अगर ना होते तो जस्टिस मुनीर खड़े हो जाते हैं कि जी नहीं देता मैं आपको ये लॉ ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर को बाहर बेंग देते कोई और आ जाता उस जगह पर देखिए आप को लॉ समझने के लिए कानून समझने के लिए इंसाफ समझने के लिए सोसाइटी के अंदर जाना पड़ेगा ठीक है शॉर्ट दैट सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट एज अ नॉर्म दैट इज नॉट नॉम ठीक है ठीक है सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग इट इज अम इट अम सोसाइटी लॉ इज लॉ इन माई गाउन इट्स नॉम करते हैं वो अबिलाई चक्कर चलते रहते कानून नहीं चल रहा होता पाकिस्तान का तो आपको उस पूरे फैब्रिक में बैठ के चीज़ों को देखना पड़ेगा हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो आप देखें वो तो चले ना साठ साल का तजुर्बा करके नेहरू साहब अगर वहाँ वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ पावर का वहीं की सोसाइटी के लोग थे वहीं आए यहाँ पे आके कुछ कोरोस्पॉोंडेंस कम हुई पार्टी मुस्लिम uh, लीग जो थी जो वहाँ डिबेट करती थी डिवॉल्यूशन uh, की जो वहाँ डिबेट करती थी कि जब हम प्रोवेंशल ऑटोनॉमी की बात करते हैं जो वहाँ डिबेट करती थी कि माइनॉरिटी की बात करते हैं क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी थे ना तो लार्ज कॉन्टेक्स में वो माइनॉरिटी की बात होती थी यहाँ पर आके वो बातें बंद हो गई टाइटल हो और उसके बाद इलीगलिटी को इलजिटीमेट चीज़ों को हमने लीगल कर दिया लॉ ऑफ नेसेसिटी ने तहत अब बुनियादी तौर पे आप जनरल जावलक साहब एट्थ अमेंडमेंट से डाल दें जो कुछ डालना है वो पार्लियामेंट बैठी है यार हमें तो डालना पड़ेगा वरना तो हमारे असेंबली में से असेंबली चली जाएगी जज साहब ने कहा मेरी नौकरी बचाओ भाई आप फिलहाल चलाओ इसको जो जनरल साहब आपको आइन में इजाजत है जो कुछ करना जनरल साहब ने सारा पेक कर करा के जो भी आर्डिनेंस कें असेंबली को पत्र करो साइन वरना असेंबली के मेम्बर तुम नहीं हो उन्होंने कहा कि नौकरी बचाओ भाई सेवेंटीन अमेंडमेंट नौकरी बचाओ भाई तो देखिए ना जो जो लॉ क्रिएट करता है वो कंसेंसस क्रिएट करता है आप आइन में से कंसेंसस का लफ्ज निकाल दें आइन आइन खत्म 1962 का आइन जो भी उसको आइन कह दें उसके अंदर वो कंसेंसस नहीं है अयुब साहब ने खुद बनाया था सेवेंटी थ्री का आइन पूरे पाकिस्तान के लोगों ने पच्चीस तीस साल के बाद लड़ लड़के लड़ लड़के लड़ आइन नहीं बना के नहीं बना के उसके बाद आधा मुल्क गंवा के हमने आइन तो बनाया था देखिए कंसेंस डॉक्यूमेंट था ग्रैंड नाम था और आयन और कोई चीज़ नहीं होता आयन की जो बुनियादी चीज़ें हैं फंडामेंटल चीज़ें हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स देता है ठीक अब अच्छा। अमेरिका का आयन हो बरतानिया का आयन हो एनी आयन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पूरा नहीं उतरता वो आयन नहीं है आयन जो फंडामेंटल राइट्स नहीं देता वो आयन वो आईने अच्छा अब डॉक्टर साहब ये जो आप आपने जिस पॉइंट पे जो मैं समझा आपकी बात से और आप सब लोगों की बात से तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एडल्ट्रेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लेजिटिमेट नहीं होने दिया इन्फोर्स नहीं होने दिया उसकी जो मुख्तलिफ़ रीज़न्स थी वो जो आपने डिस्कस की एक क्विक रिस्पॉन्स मुझे इस इस चीज़ का आप मुझे बता दें कि डू पर्सनलिटी मैटर ऑफ़ कोर्स पर्सनैलिटी मैटर इन आवर सोसाइटी वी आर हम जो हैं हम वो सोसाइटी हैं जो देखें आपको मोड ऑफ़ प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा आपको तरीक़ा पैदावार को देखना पड़ेगा मीन ऑफ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा एक कंप्यूटर वर्ल्ड आ गया एक साइंस आ गई वगैरह वगैरह आ गई जहाँ आई हमारे पास भी उनकी वजह से आई एक परमिटिव सोसाइटी होती है एग्रारियन कल्चर होता है एगराग्रियन वैल्यूज होते हैं एग्रारियन टूल्स होते हैं उसके रिफ्लेक्शंस में जो लीडर होता है सबसे अहम होता है एक सोसाइटी कलेक्टिविटी में आ जाती है प्लोरिटी में आ जाती है वहाँ इंस्टीट्यूशन मैटर करते हैं वहाँ पर लीडर्स मैटर नहीं करते लीडर्स आर डिफाइंड द ऑर्गन नॉट बाई एन इंडिविजुअल मैन बट द सोसाइटी विच वी हैव एंड विच वी लिव उसमें लीडर्स मैटर करते हैं और लीडर मैटर करना कोई मेरे ख्याल में सेहतमंद बात जब तक सब मिलकर अदल नहीं करेंगे अदल पर नहीं आएंगे एक अदल का निज़ाम कायम नहीं होगा जब सब मिलकर अदल, कर अदल करते हैं तो अदल का निज़ाम कायम हो जाता है और जब अदल का निज़ाम कायम हो जाता है तो माशरा ख़ुद ब खुद, खुद तोजुन उसका उसको मजबूर करता है कि वो वहाँ आ जाए जैसा अल्लाह चाहता है और जैसे तरक्याफ़्त कमों की जो डायरेक्शन होती है ख़ुद ब खुद माशरा चल कर वहाँ तक आ जाता है अदल निज़ाम को भी मजबूत करता है निजाम को कायम भी करता है जब निज़ाम मजबूत हो जाता है तो फिर शख्सियात की मोताजी ख़त्म हो जाती है शख्सियात पाबंद बन जाती हैं कानून की और निज़ाम की और मुल्क में शख्सियत हो या ना हो आए या बाहर चली जाए ना मुल्क पर असर पड़ता है न कौम पर असर पड़ता है और ये मेरा आ, मेरी नज़र में अदल और इंसाफ का समर है फ्रूट है जिसे हम दुनिया में देखते हैं कि निज़ाम दुनिया के चलते रहते हैं लोग आते हैं चले जाते हैं लेकिन उनका सिस्टम जो है वो कंटिन्यू है अच्छा मीर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ अब तक जो गुफ्तु हम अब दूसरे हिस्से में जाते हैं कि जो मामल जिसका जिक्र अभी शुरू में भी थोड़ा सा आया है लेकिन अब हम उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहेंगे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं जिससे आम इंसान का एक मामला चलता है माम, उसको वो देखता है कहा जाता है एक आम मुहावरा है कि सोने के हाथ और लोहे के पैर चाहिए कोर्ट कचहरी को डील करने के लिए तो आप इस हाल को कैसे देखते हैं वहाँ जो करप्शन है वहाँ जो डिले है वहाँ जो परेशानियाँ हैं वहाँ जो रवैये हैं जिस प्रोसेस से इंसान गुजरता है एक सिर्फ आपकी जो पिछली बात है उसमें से एक लाइन सिर्फ जो है कि जो आप बार बार बात हो रही थी ना कि पर्सनैलिटी और इंस्टीट्यूशन के हवाले से मेरा ख़्याल है कि मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा उस हवाले से कि जो जिस स्टेज पे हम लोग हैं पाकिस्तान एज ए स्टेट है हमें इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस बैरियर को तोड़े जो यहाँ से हमें निकाल के अभी आप देखें हमारे सामने पिछले तीस पैंतीस साल की जो दुनिया की हिस्ट्री है उसमें ऐसा ही हुआ है कि महािर मोहम्मद या डॉक्टर ली लीक इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी को उस बैरियर से निकाला है उसके बाद वो सिस्टम में वो पहुंच गई जैसे होता है ना वो मद्दार में एक सियारे को ले जाने की एक फोर्स चाहिए होती है उसके बाद वो फिर वो उसी से चलता है तो मेरा ख्याल है कि हम उस स्टेज पे हैं कि जो लीडरशिप ही उस आ, से निकाल सकती है फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप होंगे जैसे हम बात करते हैं ना कि एक आम आदमी को इंसाफ चाहिए होता है तो उसको कहाँ जाना होता है कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है कोई मसला होता है तो वो ज़्यादा फौरी तौर पर तो वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसी से जो एक एफ कटती है जो एक सिस्टम वहाँ से आप देखें वो चलता है वो अगर आला अदलिया तक भी जाता है तो वो एफ आई आर जो है ना एक बेंच मार के तौर पर उसके साथ साथ चलती है फिर उसके साथ आपका जो है ना वो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उसके इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है किस तरह जो है वो उसका केस प्लीड होता है वहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने पहले भी अर्ज किया था फरमाया था कि भाई कितना महंगा है सिस्टम कि वो सारी चीज आम आदमी जो है वो किस तरह जो है वो वहां तक पहुँचता है इवन के अगर जो बिल्कुल लोअर कोर्ट है वो तो तहसील की सतह की है ना जो सिविल जज की होती है फिर उसके बाद अगर कोई बड़ा केस है तो वो सेशन जज जज तक जाता है लेकिन आप देखें कि जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपका जो है वो अदलिया को फ़ैसला करना है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदलिया के पास तो नहीं है वो तो पुलिस के पास है तो पुलिस का सिस्टम किस तरह उसके साथ जुड़ा हुआ है फिर आप देखें कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो जराए जो, जो तरीक़ाकार हैं वो कितने फरसुदा हैं कि आप देखें कि हमारा जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का वो ये है कि मतवो मुजरम जो हैं वो जमा किए जाते हैं कि अगर एक अगर एक हमारे पास सामने नहीं है अगर मुलजम सामने नहीं है पता नहीं है कि, कि किसने किसी को मारा है तो वो पुलिस का सिस्टम ये है कि वो मतवो मुजरम बना लेती है दस बारह पंद्रह बीस पकड़ ले फिर उनसे वो एविडेंस हासिल करने की कोशिश करती है दुनिया में जदीद सिस्टम यह है कि वो एविडेंस हासिल करते हैं और उससे वो मुजरम की तरफ सफ़र करते हैं और मुजरम तक पहुंच जाते हैं फिर वो है कि एक और चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि जो वेस्ट में जिन्होंने उस पर एकपीरियंस किया है और पाकिस्तान में भी वो कुछ इदारों में अप्लाई हुआ है ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से कि आप यानी कि ना इकबाल जुर्म कैसे करवाते हैं कि किस तरह जो है लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो भी आपका कमज़ोर पड़ गया इसके ऊपर भी बहस हो रही है डॉक्टर साहब बैठे हैं कि किस तरह जो है वो कानून जो है उसको जो शहादत की ज़रूरत है आप एक किसी को मुजरम के को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए उसमें कितनी अजीबों के रिपहर्डल है जैसे डॉक्टर साहब ने उसमें ऐड की थी बात के गवाह मारे जाते हैं या गवाही जो है वो पेश ही नहीं हो सकती या जज जो है वो कहता है कि वो भी गवाह आए वो भी वो खुद डिले ट्रैक्टिस और एक वक्त में गवाह पूरे नहीं हो सकते लेकिन जो जदीद सिस्टम है कि किस तरह आप किसी से इकबाल जुर्म करवा लें तो वो एक तरीका कार हैं वो भी होते हैं कि किस तरह जो है वो एविडेंस हासिल करते हैं किस तरह जो है वो फिर उसको सजा फिर उस पर अमल दरामद भी होता है अच्छा देखिये मैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात था कि लोगों को थोड़ी सी बात ये समझ में आ जाए मैं चाहूँगा कि इस पर रिस्पॉन्स करें लेकिन अब बंदे का आम आदमी का मसला तो थाने से शुरू हो जाता है ना, ना। उसकी एफ़ आई आर ही नहीं कटती इतना खौफ है कि एक आम इंसान जिसकी सिफारिश ना हो जिसके पास पैसे ना हो कोई माशरे में पोजिशन ना हो वो तो थाने जाते हुए नाम सुन के ही वो घबराता है वो थाने तो का हमारा रवैया ऐसा बना है ना एक वहाँ मामला ऐसा है उसके बाद जब वो अदालत में जाता है तो वहाँ अदालत में वो जाता है तो वो एक नया मामला देखता है आप आँख बंद करके किसी को पट्टी बांध के आप सिटी कोर्ट ले जाए और उसको बोलें जो पाकिस्तान में रहने वाला ना हो और उसकी पट्टी खोलें और उसको बोलें देखें इर्द गिर्द क्या लगता है पहला रिस्पांस क्या है उससे पूछें यहाँ आपको इंसाफ मिलेगा तो उस माहौल को देखकर आपको लगता है कि यहाँ इंसाफ होता है जो प्रेशर बा, बा, है जो हालात हैं उधर जो नफ्स नफसी है उधर देखिए वो सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए हो रही है ना कि मसलन आप गलत लोगों का वो बैठ जाना एक जगह नहीं बैठ जाना थ्रू आउट पूरा पूरा सिस्टम जो है उट क्रिएट हुआ हुआ है ना कि किस तरह जो आप पुलिस स्टेशन उससे जुड़ा हुआ है किस तरह उससे अदलिया के लोग किस तरह उसके वकला के लोग जो है वो तो सारे लोग लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छे लोग भी हैं उसके लोगों को बेहतर इंसाफ मिल भी रहा है लेकिन वो जिनको मिल रहा है वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं और अब ये चीज है कि जो इतने लोग जो हैं जो करप्शन के साथ जो हैं जो इससे जुड़ गए हुए हैं और उन्होंने इसको उन्होंने इसमें अपनी सर्वाइवल ढूंढ ली है कि ये जितना डिले होगा उतना उनका रिस्क जो है वो चलता है उनका सिस्टम उतना चलता है और वो खुद इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ही कम केसेस होंगे मेरा ख्याल में जिसमें मुद्दई खुद चाहता होगा कि के केस लटक जाए क्योंकि उस वो भी फैसले से खौफजादा होता है ना ऐसे केस भी हैं कि जिसमें मुद्दई खुद ही चाहता है कि यार ये चार पाँच साल निकले तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है ना जज के लिए भी वकील के लिए भी लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो तो इंसाफ इंसाफ के के लिए जाते के लिए जाते हैं बिल्कुल तो तो वो हैं। जो लोग हैं उनको सिस्टम मार रहा है उनके लिए जो है वो ना तो उनके लिए वकाल वकीलों की तरफ से जो है वो आपको बेहतर जो है वो एक अप्रोच मिलती है ना आपका जो सिस्टम परवान चढ़ चुका है ना उससे मिलती है ना इन्वेस्टिगेशन से उसे सपोर्ट मिलती है अभी आप देखें कि इतने खुले बिल्कुल वाजे साफ किस्म के कत्ल जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन उन लोगों को भी सजा नहीं हो सकी। डॉक्टर साहब कि जिस इदारे ने जस्टिस देना है जिस इंस्टीट्यूशन ने बाय एंड लार्ज जहाँ टॉप पे तो हमें अब बहुत उम्मीद नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खामियाँ और ख़राबियाँ नजर आती हैं जिसने करप्शन को पकड़ना है जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है जिसने एक आम आदमी को कॉन्फिडेंस देना है यकीन दिलाना है इस मुल्क के झंडे के ऊपर कि यह रियासत का एक सिस्टम कायम है तो वो खुद इस तरह के हालात और इस तरह के मामलों और प्रॉब्लम और और परेशानियों का शिकार है तो ये कैसे होगा भाई साहब मैं इसमें तालबैम हूँ लिहाजा मैं एक्सपर्ट होने का दावा और आपको मशवरा देने का दावा नहीं करूँगा मगर मैं अपनी जरूरत आपके सामने रख सकता हूँ आ, ये इसकी कि इसकी ज़रूरत कितनी सख्त है देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि माशरती हैं सोशल हैं मजहबी हैं जो रजिस्टेंस बन सकती हैं ये लॉन्ग टर्म बातें हैं मगर इमीजिएट जरूरत जो है मेरे हमारे भाइयों ने यह बात रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैं समझता हूँ वो तो बुनियाद है उसकी उस बुनियाद के ऊपर बाकी कानून और बाकी सिस्टम बनता चलाएगा जब आप उस बुनियाद को हिलाएंगे किसी भी वजह से चाहे वो लॉ ऑफ नेसेसिटी हो तो सारा सिस्टम हिलेगा है ना सारे सिस्टम के अंदर इल्लीगलिटी रच बस जाएगी ठीक है ना मगर जो इंसाफ का बुनियादी निजाम देखिए मैं मैं समझता हूं कि इंसाफ की जो क्वालिटी है वो अल्लाह ताला ने हर शख्स में पैदा की है बच्चे भी है ना मेरे पोते हैं माशा एक को आप एक चीज दें एक को दो दें वो भी पहचान जाते हैं उस उम्र में 3 4 साल की उम्र में पहचान जाते हैं कि ये नाइंसाफी है और ये इंसाफ है तो इंसाफ़ के लिए ये कॉन्सेप्ट और ये एहसास होना इसके लिए मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है मगर ज़ाहिर इंसाफ़ देने के लिए कानून का जानना है सब कुछ मगर एक जो मज़लूम होता है जिसके साथ इंसाफ़ नहीं वो पहचान लेता है कि मेरे साथ नहीं हुआ और जो जालिम होता है वो भी पहचान लेता है कि मैंने इंसाफ़ नहीं किया तो इतना इत, इतनी चीज़ जो फैली हुई हो ना लोगों के दिलों के अंदर दिमागों के अंदर और फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं रहे तो नहीं हो तो मुशरे में एक बहुत बड़ा तजाद होता है जो सोशल टेंशनस के अतबार से मर्डर्स के अतबार से चोरीओं के एतबार से फिर वो रंग लाता है और माशरे को घुन की तरह खाता है अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जो एक मजबूरी है वो एक आम आदमी की मजबूरी जो है वो ये कि काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा कानून वो है जो चले अगर यहां लाइन नहीं बनती तो यही कानून है यहां का अगर यहां चोर छुपकर भाग जाता है तो यही कानून है यहां का अगर सिग्नल तोड़ने वाले की कोई फिक्र नहीं है किसी को तो यही कानून है यहां पर और लोग प्रैक्टिस करते हैं ये मैं नहीं कह रहा लोग सारे प्रैक्टिस करते हैं वो जो कानून नजर आता है कि चल रहा है जो यहां से जाते ही मैंने मिसाल दी कहीं और चले जाएंगे तो फौरन वो जो जो चल रहा है उसको मानते हैं लोग ठीक।, ठीक है ना तो लेकिन कानून तो चलना बहुत ज़रूरी है तीसरी बात मैं कहता हूँ कि साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट असल में कोई किसी को सज़ा नहीं मिल सकती जब तक उसके गवाहान जो है ना वो उस जोर दबदबे से प्रोटेक्टेड ना हो हिंदुस्तान ने हाँ हिंदुस्तान ने दो जनवरी दो हज़ार ग्यारह के अंदर ये पार्लियामेंट में पास किया है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट और ये आप देख लें कि हमारे यहाँ कराची के अंदर जितनी कत्लो ग ारत गरी हुई इसके अंदर सवाए शाहिद हामिद की बेवा ने वहाँ पर सबूत दिया और खड़ी हो गई वरना लोग भाग जाते हैं कोर्ट में कोई विटनेस ही नहीं आता तो ये भी बेानतहा ज़रूरी है कि जो गवाही दें उनको प्रोटेक्ट तो करो ना गवाही देने को कोई तैयार नहीं और गवाह बनने को कोई तैयार नहीं यानी मैं अगर किसी चीज़ में गवाह बन जाऊँ मुझे ख्याल होगा कि पाँच साल मुझे पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी ठीक है ना उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बहुत अहम सुतून है जुडिशरी जो असल में ये सारी चीज़ें इतनी इतनी घुल मिल गई हैं गुफ्तु के अंदर अलग अलग हमें करना पड़ेगा कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से किस चीज़ को पकड़ा जाए और ये हम जहती कैफियत है इसके बहुत सारी चीज़ें असल में जो चोर इलेक्ट होता है ना हम डिपेंड कर करना चाहिए जमहूरियत डिपेंड करती है जुडिशरी पर कि यानी मिसाल के मैंने ये मिसाल बहुत लोगों को दी कि अगर किसी के ये जो चोर इलेक्ट हो जाते हैं ना वो कहते हैं जी हमारा एहत तो तो अवाम करेंगे अवाम कॉम्पिटेंट नहीं है एहत करने के आप समझते हैं ना यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के दांत में दर्द हो और लोग कहें और कहें कि जी जो डेंटिस्ट कह रहा है वो नहीं जो अवाम कहेगी वो दवा मिलनी चाहिए इट इज़ नॉट सो हैं तो लिहाजा ये बेानतहा ज़रूरी है कि जो आ, आ, जुडिशरी है ये ये इंसाफ करे अलेक्टबल्स के एतबार से ताकि वो एक्सप्लॉइटेशन एक फ्यूडल सिस्टम का ना हो तो इसी बात मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि जी डेवल्यूशन होना चाहिए इंसाफ का जो महंगा है ना इंसाफ वो इस वजह से महंगाई के नीचे अगर नहीं मिलता तो या तो जुल्म चलता है और नीचे एक्चुअली जुल्म चलता है है ना इंसाफ़ हो नहीं रहा तो डेवोल्यूशन इंसाफ का किस तरह से हो सकता है कि एक तो हर माशरे के अंदर नोटेबल्स होते हैं बुजुर्ग होते हैं है ना तो इंसाफ को डिवॉल्व होना चाहिए कि कम से कम स्मॉल कॉजे कोर्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए हैं ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को तो हल करें ना वहाँ पर उनकी लिमिटेशंस कर दी जाए पंचायत की लिमिटेशन कर दी जाए कि जो ये जो वरना कारोकारी हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है पंचायत की लिमिटेशन कर दी जाए आपने तो ये देखा है कि पंचायतों ने इतने वाहियात आ, आ, वो दिए हैं वर्डिक्स दिए हैं जिसके ऊपर हमें शर्म आती है इस माशरे में भी और वो इस तरह से कि वा, वा, वाना वाली रसम और ये कि इसने जुर्म किया तो इसकी बच्ची को वहाँ शादी कर दो तो ये जनाब इसको तो स्कूप, आप स्कूप नहीं आप लीगल सिस्टम के अंदर लाएं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और फैसले छोटे स्मॉल कॉजेज पर उनको लिमिट करें मगर जाना पड़ेगा दो बातें आखिर में मैं कह दूँ एक ये कि फोरेंसिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए देखो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने ये देखा ये है कि फोरेंजिक ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत सारे जराम और बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं तो अपनी अपनी पुलिस को और अपनी एग्जीक्यूटिव को इस काबिल बनाया जाए कि वो सबूत ला तो सके फिलहाल सबूत ला भी नहीं सकते और आखिरी बात यह है कि प्रोजीक्यूशन अगर लाइल हो कानूनी ज़रूरियात के एतबार से जो भाई ने भी बात कही कि जो लाते हैं मार पीट कर उससे एक बाल जुर्म करवा लिया और वो कोर्ट के अंदर वो साबित नहीं हो पाता तो लिहाजा ये भी ज़रूरी है लिहाजा बुनियादी तौर पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जब तक इंसाफ सस्ता नहीं होगा और इंसाफ़ सिर्फ रईसों का होगा और मेरे मैं आपको बता दूँ मेरे वाले साहब ने मुकदमा किया था उनका इंतकाल भी हो गया वो मुकदमे का फैसला आज तक नहीं हुआ तीस साल हो गए हैं मगर ये कि मैं खाता पीता आदमी हूँ लिहाजा शायद मुझे इस बात की फ़िक्र ना हो मगर गरीब आदमी के साथ तो बड़ा शुक्र है बिल्कुल, बिल्कुल ये बिल्कुल सही अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं आप बताइए कि ये जो अब तक की जो सारी गुफ्तु हुई आप इसको कैसे देखते हैं कैसे ये निचली सतह पे ये मामला ठीक होंगे जो लोअर कोर्ट्स के हवाले से हैं देखिए बात यह है पहली बात तो ये है कि सिर्फ बात की गई है थाने की और थाने के कल्चर की ये तो इसका ताल्लुक़ है फौजदारी मुकदम्त से ठीक है देखिए दीवानी मुकदमा भी होते हैं और फैमिली केसेस भी होते हैं एक तलाक तमाम सब चीज़ें मेंटेनेंस का गार्डियनशिप केसेस हैं और उसके साथ साथ आपके रेंट के मैटर्स भी हैं ठीक है ये तमाम अब अगर जितने भी हैं पूरे सिंध के अंदर मैं कह सकता हूँ कम अज़ कम डेढ़ लाख से ज़्यादा केस है ठीक है तो एक तो जो स्ट्रेंथ है वो उससे मुताबिकत नहीं रखती है जजेस की तमाम डिस्टिक्स में कि जो उसके उसको कोप अप कर सकें उसको पकड़ सकें अब उनके पास भी यही है अब फैमिली केस भी चलाना है अब दीवान वो वो भी फौजदारी केसेस भी चलाने हैं रेंट के केसेस भी चलाने हैं ये सब चीज़ें हैं तो अब इसके लिए देखिए जहाँ के और दुनिया में हुआ है जापान में आप ले लीजिए अमेरिका में आप ले लीजिए उन्होंने क्या किया उन्होंने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोलूशन के अपने वो तमाम कवायद और तरीक़ार को अपनाया और उन पर अमल किया जैसे कि सालसी का है अर्ली न्यूट्रल एवेलन है आपके आर्बिट्रेशन है और इस तरह से लेकिन हमारे यहाँ अब तक ये चीज़ें जो हैं अभी तक पढ़ाई भी नहीं जाती तो ये ये क्या चीज़ रुको, रुकावट क्या है कौन ये, ये है? रुकावट तो। ये है कि देखिए आँ, के इसको चाहिए जो लोग कानून बनाते हैं तो कम अज़ कम उसको उसको अम, अमल करें पहले करवाएं। और दूसरी चीज़ ये किवानी में तरामीम करें ताकि प्रोसीजर जो है वो और आसान हो जाए और सिंपल हो जाए और टेक्निकलिटीज़ में न जाए अगर टेक्निकलिटीज़ में हैं कि साहब ये दरख्वास्त देनी है वो दरख्वास्त देनी है वो तो क़्यामत तक कभी वो फ़ैसला दीवानी करनी होगा और वो वहीं कम ही रहेगा एक बात दूसरा ये है मसलन लॉज़ की मैं बात करता हूँ लॉस तो बना दिए जाते हैं क्या एंटी करप्शन लॉज 47 सेवन से अब तक नहीं है क्या नैब नहीं बनाया गया नैब को कह के लिए यूज़ किया गया सियासी मकासद के लिए यूज़ किया गया अब मुखालफ के लिए यूज़ किया गया मैं ख़ुद एहतसाब बेंच पर काम कर चुका हूँ मुझे पता है क्या अपोजीशन है इसी तरह से एंटी करप्शन है अब तो लोग कहते हैं ये एंटी करप्शन है एंटी करप्शन नहीं है ये है ही नहीं एक बात दूसरा ये डेकोरेशन के लिए हरासमेंट ऑफ वेमन एट वर्क प्लेस वायलेंस अगेंस्ट वेमन ये ये कवान भी हैं कहाँ अमल हो रहा है इसके ऊपर उसके बाद यह है कि साहब हाईकोर्ट की भी इंस्ट्रक्शंस थी और हैं कि साहब छः महीने में आप रेंट का केस फाइल कर दीजिए वो डिसाइड कर दीजिए फैमिली सूट्स हैं उनको छः महीने में डिसाइड कर दीजिए कितने डिसाइड होते हैं बिल्कुल नहीं होते और फिर आप जो मैन पावर ला रहे हैं उसको भी देखिए जो लोग जजेज हैं को ये नहीं कि बस अकल कुल आ गई मालूम हुआ कि साहब अब तो ये भी हो गया था कि साहब एल की भी जरूरत नहीं है उनको भी जज जज बनाया गया है इन सर्विस ट्रेनिंग की ज़रूरत है अकेडमीज़ जो हैं वो साउंड लाइंस पे काम नहीं कर रही हैं दुनिया भर में ये होता है कि साहब अकेडमीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है नीपा में पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है उसके बाद कहते हैं अब प्रमोशन होगा आपका उन अट्ठारह से उन्नीस में या उन्नीस में बीस में छ महीने की ट्रेनिंग होती है या लाहौर में अकेडमी में होती है यहां क्यों नहीं होती है एक बात दूसरी चीज ये के केसेस जो हैं पिक एंड चूज ना किए जाएं मैं एक बात कहता हूँ आज भी अखबार में इसका रेफरेंस है अजगर खान साहब का केस क्यों पड़ा हुआ है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में है क्या वैसे रखा हुआ क्यों रखा हुआ है फैसला कीजिए उसको है या नहीं है लेकिन पैसे बहुत इन्वॉल्व हैं उसके अंदर सब कुछ है अजहर खान साहब ने तो कहना ही छोड़ दिया उसको इसी इसी तरह से लोअर कोर्ट में केसेस हैं अच्छा भाई खानापुरी है हमने पचहत्तर यूनिट बनाने हैं भाई इस महीने तो बन गए बाकी जाए जानों में फिर मरात कम है आपका माहौल आप देखते हैं जो हम बात करें अदालती माहौल की फिश मार्केट होती है जैसे मालूम होता है कि हर एक को एक्सेस है आजकल वकालत क्या रह गई है मैं वकीलों के आ रहा हूँ ड्यू रिस्पेक्ट वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इनका कि बेल मिल गई तो वाह वाह ठीक है या आपका इंजेंशन मिल गया हुक्म इम्तिनाई बस ठीक है उसके बाद जब तक के विटनेसेस पैचअप ना हो जाए केस कोई नहीं चलाता फौजदारी का बस वरना कन्विक्शन कन्विक्शन होने लगेगी और इसी तरह से इंजेंशन हो गया हुक्म इम्तनाई हुक्म इम्तनाई लेके बिल्डिंगें बन गई हैं और पाँच पाँच दस दस मंजिला भाई उनको आपने क्यों नहीं कंटेस्ट किया कौन कंटेस्ट करे यहाँ आके करप्शन का एलिमेंट होता अच्छा अच्छा काज साहब मैं जो डॉक्टर साहब ने बात की ही स्पोक फ्रॉम द हार्ट और इन्होंने क्योंकि इनसाइड दिया आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक तो पहले आप इसका रिस्पॉन्स दें फिर मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा इसमें बहुत तफसील से बोले और बहुत ही जो उस फैब्रिक के अंदर जो चीज़ें थी मैं सिर्फ इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ के जो अहम में अहम चीज़ें वो है जो क्रिमिनल प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर सिविल सिविल मैटर्स होते हैं मेट्रामोनील मैटर्स होते हैं उसके साथ साथ यानी कि वो प्रोसीजर जिसमें रियासत वर्सेस अक्यूज्ड होती है जिसमें स्टेट जो है वो खुद उस बंद के जिसके साथ जाती हुई है उसका खुद अपने कंधे पे क्योंकि वो क्राइम इज़ नॉट अगेंस्ट नॉट ओनली अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल इट्स अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी ठीक है इट्स अ क्राइम टू करप्ट सोसाइटी सो इसका एक बहुत क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है एक बहुत अब इसकी बड़ी बड़ी जो है वो एक मतलब है कि नहीं कि आप देखें कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सिक्स अमेंडमेंट आई उसमें फोर्टीन अमेंडमेंट में आई थर्टीन अमेंडमेंट आई जो अमेंडमेंट्स आई वो क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में थी हमने वो अमेंडमेंट्स अपने आयन में ली ली कोई भी आयन मैंने कहा ना फंडामेंटल राइट्स बाहर नहीं होता आर्टिकल एट है जिससे आप शुरू करते हैं कि जो है वो आप को, आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये ये प्रिवेल करेगा अगर कोई भी लॉ कहीं पर भी कोई आपसे जाती हो आर्टिकल नाइन है टेन है फ्री ट्रायल है ये जो इकबाल जुर्म है ये बहुत बड़ी बड़ा गुनाह है एक सिविल uh, मतलब एक एथिकल लॉ यानी जो लॉ होता है इकबाल जुर्म करते वक्त आप क्या करते हैं उसके साथ उसको मारा जाता है पीटा जाता है पर, को हाँ लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इकबाल जुर्म हमारे आइन के अंदर हमारे आयन के अंदर ये भी है कि आपने जिस बंदे को जिस वक्त पकड़ा उसको उस वक्त बताएं कि तुम्हारा कसूर क्या है ठीक हाँ उस वक्त बताएं और उसी वक्त एक्सेस टू जस्टिस होती है इस कॉन्टेस्ट में उसको अपना वकील करने की पूरी इजाज़त तो कहें अपना वकील लाओ और ये और कोई का आइन कानून वगैरह नहीं हमारा आयन कह रहा है इंप्लीमेंटेशन में क्या होता होगा कुछ लोगों की इग्नोरेंस आ जाती है कुछ क्या आ जाता है पुलिस वाला वकील से डरता है उसको पता चल जाएगा ये मुझे मरवाएगा वहाँ जाके मुझे पता है मजिस्ट्रेट के पास मेरी क्या क्लास होने जा रही है आम आदमी को पता है उसका उसको, उसको इज इग्नोरेंट ऑफ लॉ सबसे बड़ा काम है कि आप लोगों को हुकूक पता है अब ये हुकूक क्रिमिनल के भी हो जाते हैं जब तक वो कन्वेक्ट हो अब तक तो अक्यूज है तो लिहाजा मिसकेज ऑफ जस्टिस एक भयानक में भयानक तरीन जुल्म है कि आपने एक मासूम को सजा अदल क्या है अदल यही तो है क्रिमिनल प्रोसीजर ही तो है कि उसको सुना जाए भाई उसको पूरा मौका दिया जाए भाई और बिहाइंड रीजनेबल डाउट अदल इज बिहाइंड रीजनेबल डाउट प्रूव इट शक पड़ता है जज साहब ने घोष साहब को पता है बाहर से आउटसाइड चीज़ों से कि ये मुजरम है फ्रेम में नहीं आता उसको छोड़ेंगे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक मुजरम को एक कातल को इस तरह से अगर सजा दी गई तो कल दस मासूम लोगों को भी सजा हो सकती वर्ल्ड के जुर्सूडेंट्स कहती है कि दस मुजरमों के मुजरम हैं वो बच जाते हैं इसलिए कि एक इनोसेंट बच जाए तो दस मुजरमों को छोड़ दो एजुकेटिंग माई पॉइंट अब चूँकि हम प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ पता है किस तरह होता है यहाँ प्रोजिक्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन है ही नहीं स्टेट का लॉयर है ही नहीं और क्रिमिनल का अक्यूज का लॉयर जो है वो तो पैसे लेता है इतने सारे और ऐसे ऐसे कानून नुकते बताएगा फंडामेंटल राइट्स उसके ही तो हैं भाई लेकिन ये आर्गुमेंट इस तरह नहीं होगा बहुत लेकिन हम हम एक चीज़ से खींचेंगे हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाएंगे लिहाजा हमें आइन बहुत सारी चीज़ें देता है आइन हमें पूरे फंडामेंटल राइट्स देता है प्रोसीजर्स देता है रियासत चूं बहुत कमजोर हमारी बुनियादी तौर जो ट्रेजिडी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तीन सुतून है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जस्टिस ये नहीं है कि अदालत करती है जस्टिस ये है कि उसने कानून कैसा बनाया है पार्लियामेंट ने जस्टिस ये है कि उसको एग्जेक्टिव इंप्लीमेंट किस तरह करवा रहा है ठीक है ना तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्ट और तीनों को मिला दें दोन से तीनों सेड स्टेट सेट गवर्नमेंट विथ स्मॉल जी और बिग जी स्मॉल जी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट विथ बिग जी इज़ दैट ओनली गवर्नमेंट विच इज गवर्नमेंट जिसको जिलानी साहब चलाते स्मॉल जी रियासत को आप रियासत बनाएंगे तो मामला, तो मामला तो क्या मैं कह रहा हूँ देखिए आइन में मौजूद है कि साहब हर शख्स का ये हक है कि उसको एक्सपीडिश यानी जल्दी और इनएक्सपेंसिव इंसाफ मिले ये आइन के अंदर है थर्टी सेवन आर्टिकल है सैंतीस ई e. क्या उस पर क्या अमल हो रहा है एक बात दूसरी बात यह दुनिया में दो तरह के निज़ाम हैं इंक्विजिटोरियल सिस्टम और एडवर्सरियल सिस्टम इंक्विजिटोरियल सिस्टम जैसे कि जापान में है या फ्रांस में है आप मुलिम को लाएँ पुलिस खाली पकड़ के लाएगी मैं मजिस्ट्रेट बैठा है ये जज जो बैठा है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके गवाही करके और अदालत में पेश करेगा श्योर शॉर्ट कन्वेक्शन होगी इसलिए कि पूरे के पूरे है उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर फ्रांस में भी ये है अच्छा तीसरी चीज़ ये कि एक्सेस टू जस्टिस आप कितना भी अभी जो इतने कितने मिलियंस डेवलपमेंट इसके लिए एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में लिए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक से और वो कर्ज था क्या हुआ है पूरे मुल्क के अंदर सिवाय इसके कि दो चार बिल्डिंग बनी है दैट्स इट इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ वो सारा पैसा वेस्ट हो गया मैं समझ गया एक एक बात यहाँ मैं कंक्लूड करके फिर हम अपने आखिरी <coughs> राउंड में और आखिरी हिस्से की तरफ आएंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अदल का अगर दूसरा नाम ले लेना तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो एहतसाब है और दुनिया का सबसे बड़ा एहतसब मेरी नज़र में वो खौफ खुदा है क्योंकि जिस दिल में जिस कौम के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है तो बुराई सोच के अंदर पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि जो इंसान अल्लाह को पहले जवाबदेह हो जाए कानून की बारी बहुत बाद में आती है और खौफ खुदा अल्लाह को मानने से पैदा नहीं होता अल्लाह की बुजर्गी को उसकी अज़मत को उसकी रहमत को उसके मुकाम को जान कर अल्लाह के साथ अतात वाला रिश्ता बनाकर खौफ खुदा पैदा होता है शुरू शुरू में ये खौफ खुदा जजा सज़ा का होता है फिर आहिस्ता आहिस्ा ये खौफ खुदा तब्दील हो जाता है कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए हम से दूर ना हो जाए हम उस मालिक की नज़र में गिर ना जाएं जिस कौम के दिल में ये वाला खौफ खुदा पैदा हो जाए वो कौम सुधरती भी है अपने पैरों पे भी खड़ी होती है और बहुत जल्द दुनिया में इज़्ज़त वाला मुकाम हासिल करती है मैं चाहूँगा साहब एक लास्ट जो हमारा राउंड है इस पर हम बात करेंगे एक आम आदमी की जो माइंड सैट है जो जहनीत है कहते हैं कि कानून जो है वो या तो दिल पर नाफिज होता है या फिर गर्दन पर और महजब माशरों में लोग डंडे के ज़ोर पर नहीं दिल के तकाज़ों से कानून की पाबंदी करते हैं अगर हम अपने मुल्क में देखें तो ना डंडा नज़र आता है और ना दिल का तकाज़ा नज़र आता है कानून की पाबंदी में एक आम आदमी ट्रैफिक से लेकर आप चलते चले जाएँ टैक्स की देने में तजारत में माशरत में ज़िंदगी के हर शोबे में तो एक ऐसा माइंड सेट बना हुआ है हमारा कि कानून तोड़ना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है लॉ क्या है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जब तक लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे आवाम इस चीज़ को नहीं समझेगी कैसे माशरे में प्रिवेल करेगा हम जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं ना उसमें यह है कि क्या ऐसी सिचुएशन इस वक्त बन गई है आप देखें कि जो बंदा करप्ट है ना उसका मुआरे में मुकाम क्या है अभी आप देखें कि कुछ सालों अगर पीछे चले जाएं जो अपना जस्टिस साहब बैठे हैं तो आप देखें कि लोग जो हैं बड़ी चोरी छुपे जो है वो शायद रिश्वत लेते थे अभी आप देखें कि जो बंदा उस पोस्ट पे अपॉइंट होता है ना जहाँ से पैसा मिलना होता है तो उसकी उसके ख़ानदान में कितनी मुबारकबादें मिलती हैं एक छोटी सी पोस्ट होती है मैं आपको बताऊँ जो तहसील में डिस्ट्रिक्ट में होती है वो रजिस्ट्री मोर्र की होती है रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो रजिस्ट्री मु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तमाम मुतलका अफसरान का खर्चा भी वो बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि उसके पास रेवेन्यू डेली का इस लेवल पे आता है इसी तरह आप देखें कस्टम हो इनकम टैक्स हो पुलिस हो या कोई भी ऐसे महकमे की पोस्ट जिसमें पता चलता है दुनिया को पता है कि इसमें माल आता है ठीक है उसका जो है वो मुकाम खानदान में बढ़ जाता है और ख़ानदान के अंदर देखें जो ईमानदार आदमी है उसको खानदान वाले बेकार आदमी कहते हैं कि वो कहते हैं कि यार उसको क्या कहते हैं वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है तो हमने खुद जो है जो बेहतर लोग होते हैं या जो बेहतर बिहेव करना शुरू करते हैं उनको तो हमने खुद नकारा बनाना शुरू कर दिया है डॉक्टर साहब ने मेरी तो तरफ पॉइंट आउट किया था कि मुआरा कैसे बिहेव कर रहा है अब देखें आम आदमी जो है वो तो ये देख रहा है कि भाई मेरा जो है वो फलां बंदा जो है वो फलां जगह पे बैठा है और फिर अच्छा इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे बिल्कुल लोअर लेवल पे बड़ी जो है वो करती है वो है मुख्तलिफ जो कनेक्शन हैं फैमिलीस बरदरीज़ अकायद ज़ुबान और इलाके ये जो रिश्ते हैं ये इतने डोमिनेट करते हैं कि वो इंसाफ के तकाज़े भी पूरे नहीं होते आप देखें वो बरदरी जैसे अगर कोई सियासी आदमी है तो वो हक़ की तरफ नहीं जाएगा वो धड़े की तरफ जाता है वो कहता है जी मेरे वोटर हैं लिहाजा उसने उसके लिए जो है वो फ़ाइट करनी है अगर कोई बरदरी की यबियत है तो उसको उस तरह करके वो ट्रीट किया जाता है कि बरदरी के बंदे को बचाना है खा कुछ भी हो जाए इसी तरह कुछ जो है ना एक कोनेक्शन लोगों का अक़ीदे की बुनियाद पर भी है तो उसको भी बचाते हैं फिर उसके बाद जो है वो अपने जो है वो रिश्तेदारियाँ हैं तो वो फैमिली सिस्टम आप एक चीज़ देखें कि यूरोप के अंदर कहते हैं ना फैमिली सिस्टम ब्रेक भी हुआ है मेरा ख़्याल है उसमें मेरिट ने भी ब्रेक किया है कि अगर एक बंदा और वो बंदा भी आप देख लें पाकिस्तान के भी माशरे में कोई बंदा जो मेरिट पे काम करता होगा ना उससे ख़ानदान वाले भी नाराज़ होंगे बरादरी भी नाराज़ होगी अकीदे वाले भी नाराज़ होंगे सब नाराज़ हो जाएंगे और उसे बिल्कुल जो है ना वो इस तरह समझा जाएगा कि ये बंदा किसी काम का नहीं इससे फैज़ नहीं मिल सकता तो अगर हम उस तरफ जाएंगे तो यकीन हम उस चीज़ को उसकी कीमत देंगे लेकिन ये चीज़ें हमारे माशरे में चूँकि अभी वो कबायली भी एक असर बहुत ज़्यादा है कितना पाकिस्तान तो अभी भी कबायली मजाज के साथ जो है वो रहता है बरदरीों के मजाज के साथ रहता है तो जो आम आदमी है वो तो उस तरफ ज़्यादा इमरान साहब जाता है जहाँ पर उसको फ़ायदे नज़र आते हैं अच्छा कोई बंदा नफ़रत नहीं करता रिश्वत लेने वाले आदमी से अच्छा एक चीज़ और आप देखें कि अगर एक बंदे को हमें पता है कि यार ये बंदा जो है ना इसकी इनकम जो है ना ये इतनी है और इस तरह का इसका लेकिन उसका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो इतना शहाना है तो हम उसको कोई वो नहीं उससे नफ़रत नहीं करते हम सारे उसके साथ जो है वो इस तरह बिहेव करते हैं कि ये मुआरे का बहुत बेहतर आदमी है तो हम उन्हें खुद ही ये जो है ना जो मुआरे के तौर पर हम हमारी अपनी जो कोताही है वो ये है कि हमने बेहतर लोगों को जो है वो क्रेडिट नहीं दिया और बुरे लोगों के साथ जो है ना हमने नफरत नहीं की तो जो चीज़ हमने हासिल करनी थी वो हम हासिल नहीं कर सकते आम आदमी जैसे इन्होंने कहा कि डेढ़ घंटे की फ़्लाइट से दुबई जाता है वो लाइन में भी लग जाता है और उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है वो बिल्कुल फॉलो करने लगता है तो क्यों अपने मुल्क में ये क्यों नहीं हो सकता देखिए बात यह है कि क़ानून शिकनी जो है ना बदकस्मती से मैं कहूँगा और कोई मेरे पास पास नहीं है अब उसे ऐब नहीं समझा जाता ठीक है आपने बात की खौफ ख़ुदा की शुरू में देखिए बात यह है कि अम्बिया का तमाम का तमाम जो है तालीमत का निचोड़ जो था वो यही था कि अमर अम्र बिनमूफ नहीं अनिल मुनकर ठीक इस पर अमल बिल्कुल नहीं हो रहा एक बात दूसरी चीज़ ये कि देखिए लजस्लेचर का, का काम है मकन का, का कानून बनाना कानून बनाने वाले कौन हैं मैं आम बात कर रहा हूँ क्या जितना के इलेक्शन कमीशन ने रखा है कि साहब इतने पैसे खर्च होंगे क्या वो उतने पैसे खर्च करके पहुँचते हैं वो उससे दुगने तिगने खर्च करके पहुंचते हैं कोई पूछने वाला है कोई उज़र उजर अगर आपने दाखिल की है उज़रदारी तो क्या उस पर कोई इंसाफ़ मिलता है लोगों को कुछ नहीं वो वहाँ पर और मल्टीप्लाई करते हैं उसको और, और उसके बाद आप जाली डिग्रियों से पहुँच रहे हैं उस पर अगर वो वेरीफिकेशन हो रही है तो कोई नहीं कर रहा उसको कोई अमल नहीं कर रहा कोई ऐप नहीं समझ रहा इसके बाद एग्जीक्यूटिव है इसका काम है लॉ को इन्फोर्स करना इंतज़ामिया को क्या इंतज़ामिया कर रही है नहीं साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का को भी ऑर्डर होगा तो कह देंगे ओवर माई डेड बॉडी है या नहीं है फिर ये कौन है ये पढ़ा लिखा तो तबका है तो जहाँ ये आलम होगा तो फिर वो जो आदमी आम आदमी है वो तो कहेगा ठीक है फलाँ को चीट भेजो इतने पैसे लाओ फलाँ को ये करो इतने पैसे लाओ उन्हें पता है कि पुलिस हमारे पास है जो लोग प्रोटेक्शन देने वाले हैं वो कुछ नहीं करेंगे सियासतदान हमारे पीछे हैं और नतीजा क्या होगा कि वो एक क़ानून शिकनी बढ़ती चली जाएगी ट्रैफिक का निज़ाम आप देख लीजिए लोग जो है उसे कोई आप नहीं समझते लेकिन जैसा कि आपने बात की दुबई की वहाँ हुक्मरान भी उस पर अमल करते हैं आम आदमी भी अमल करता है जब अमल करते हैं तो आम आदमी भी सोचता है कि कानून सबके लिए एक है हमारे यहाँ कानून जो हैं आपने डंडे की बात की है डंडा आपने कहा था शायद नहीं है डंडा बिल्कुल है लेकिन वो सिर्फ गरीब के लिए है मिसकीन के लिए है लाचार के लिए है जिसका कोई नहीं है और फिर असम्बली में असम्बली में वही लोग जाएंगे मीर पीर वडेरे और चौधरी और मलिक जिनके पास ज़मीनें हैं और जिन्होंने अपना वो रखा हुआ है लेजिस्लेचर है मक्रने की बात कर रहे हैं कौन हाथ लगाएगा नहीं साहब अगर हम इनको हाथ लगाते हैं इनको ये करते हैं तो पार्टी जाती है हुकूमत जाती है तो फिर ये भी ये भी हो जाएंगे किसी ने पूछा आज तक कि भाई आपके दौलत कितनी है स्विट्ज़रलैंड में कितनी है दुबई में कितनी है लंदन में या न्यूयॉर्क में और ये पैसे कहाँ से आए और थाने में पुलिस कोई एस जो, जो है वो बग़ैर ऑनरेबल मिनिस्टर के या उसके उसके पोस्ट नहीं होता और उसका काम है वो सब उनके इंटरेस्ट को देखना ना कि गरीब का इंटरेस्ट को देखना ठीक तो अच्छा कहाँ से मिलेगा इंसाँगा? बिल्कुल सही साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा मैंने जो जो जॉक्टर साहब ने बात की जो डॉक्टर अलवी साहब ने बात की जो मीर साहब ने बात की हम एक आम आदमी के माइंड की बात कर रहे थे मैंने जो शुरू में भी कहा था कि कानून या तो दिल पर नाफिज होता है या गर्दन पर होता है यानी फेयर ऑफ लॉ है एक थेरी और एक रिस्पेक्ट ऑफ लॉ है आप क्या कहेंगे कि एक आम आदमी जब तक वो नहीं आएगा ये समझेगा नहीं ये शूर बेदार नहीं होगा कैसे ये मामला ठीक होगा बड़ी दोबारा एक दिमाग पे एक ही है आपके पहले तो सबसे बड़ा इंसाफ़ करने वाला वही है उसकी बात ही होगी मोमबत्ती कितनी भी हज़ारों सबसे रोशनी निकलती है रोशनी जो है वो नूर है जो भी है जिस तरह से एक फैला हुआ है आदशे गुलसे चमन तमाम वाली बात है तो बात देखें आ, जिस तरह से मौलाना जलाउद्दीन रूमी कहते हैं कि फ़ारग इस अस मदा तारीफ आफ्ताब आफ्ताब जो है वो अपनी तारीफ खुद से बे न्याज है उसकी उसकी जो है उसकी है ही जो चीज़ ये है मदा खुर्शीद मदा खुर्शीद मदा खुद अस तारीफ़ करो उसकी तारीफ़ खुद अपनी कर जाओ तो देखिए हमने जो जो खुदा थे वो आप जो भुत होते हैं हमने बनाए हैं ना इंसान इत करते ये जो हम डिक्टेटर जिसको कहते हैं ना ये 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 ये, ये पाकिस्तान का हमारा इंडो डोपाक कान्टेस्ट मैं नहीं जाना चाहता अरब वर्ल्ड के अंदर उसके अपने क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स कॉन्टेस्ट किस तरह मैटर करता है कि आपने जिस तरह दुबई के हिसाब से मैं दोबारा आता हूँ उस बात में लेकिन कॉन्टेस्ट मैटर की बात हुई कॉन्टेस्ट मैटर्स लॉ जब भी अप्लाई होगा कॉन्टेस्ट में अप्लाई होगा लॉ जनरल अप्लाई नहीं होता एक मखसूस सूरत में लॉ की अप्लीकेशन हो रही होती है और उसके अंदर आपका केस ला जाता है बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही कि कॉन्टेस्ट किस तरह मैटर होता है इन्हीं लोगों को उठा के फेंक दीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पर अंदर किसी गार में फंस गए हैं और बाहर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बड़ी महजुब सोसाइटी के लोग हैं और खाने को कुछ नहीं एक बंदे को मारना पड़ता है उसको वॉलेंटरली कर वो वो भी मारते उसी को है जो मोस्ट वीक है इन तीन चार लोगों में से अचानक उठा के निकाल के बाहर उसको अमेरिका की अदालत में केस चला तो अमेरिका का आइन तोड़ दिया भाई कानून तोड़ दिया तूने बंदे को मार दिया किस कॉन्टेस्ट में उसने मारा वो किसी को पता ही नहीं आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए जहाँ कानून चल ही नहीं सकता जहाँ पे आपने ऐसे ऐसे लोगों को अपना जो भी बनाया हुआ है जो है ही नहीं आप जस्टिस मुनीर साहब आपका तो कसूर नहीं है सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस थी नहीं आपने लॉ ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल तो कर लिया एक इलीगलिटी को आपने वैलिडिटी दी एक इलीगलिटी को आपने वैलिडिटी दी और वो वैलिडिटी के बाद फिर वो एक और चक्कर चलते 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 वो कहीं बुनियादी बुनियादी तौर पर वो वाइड एपेनिशो है ठीक है जो इमारत इतनी बना चुके हो उसको तोड़ो और वहाँ लेकिन हो ही नहीं सकता डॉक्टर ऑफ पास क्लोदन ट्रांजेक्शन्स में इतना आगे बंदा निकल जाता है कहीं ना कहीं किसको कुछ फिर कहते हैं जो जो कुछ हुआ वो भी कर दो जी वो भी नहीं किया आपने तो आपने इतनी बड़ी ट्यूमर एक क्लस्टर बनाया है ऐसे ऐसे लोगों का ऐसी ऐसी पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की इलीट है आम आदमी नहीं है सब पता है चोर चोर सब बैठे हुए हैं कोई इधर से कानून तोड़ के आता है कोई उधर से कानून तोड़ के आता है सब तोड़ो कानून चलो बेसिकली वी आर फंडामेंटली वेरी क्लियर ऑन दिस नाम ब्रेक लॉ एज यू सेट क्योंकि मदाओ खुर्शीद मदाओ खुद निकल गए हम में से अल्लाह मियाँ का डर निकल गया हमने कहा कि इतने सारे एक सेब रख दो एक सेब रख दो और कहो कि तुम अपनी जुबान में वो पता नहीं इसको क्या कहता है मैं इसको सेब कहता हूँ कोई सूफ कहता है कोई एप्पल कहता है लेकिन है वो सेब वो अपने कॉन्टेक्सट हर कोई अपना देख रहा है लेकिन मैंने कहा ना आप जब अपने ज़ात की नफी करोगे तब जाके सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा उसमें भाई अगर कोई इस तरह हो जाएगा तो इस तरह से प्रोसीजर होगा जहां राइट टूटा है वहां रेमेडी पड़ी हुई है और सबसे अहम में अहम चीज सबसे अहम अहम चीज इंसाफ की सबसे अहम में अहम चीज है जुडिशल रिव्यू हर कोई अपने पावर के दायरे में एम्बिट में रहे इधर से उधर से यूं यूं करके ना निकले ठीक है ना वो जुडिशल रिव्यू ऐसे आया था वो जो 1812 तो में जॉन मार्शल ने वहां पे आ, आ, जो आयन में जबरदस्ती उन्होंने चीजें डाली थी उसको निकलवा उखड़ा के खड़ा कर दिया ठीक है ना मार्बरी वर्सेस मेडिसिन का केस आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी जुडिशल रिव्यू क्या होता है और बिल्कुल चीफ जस्टिस के साथ मोतों पे बहुत सारे रिजर्वेशंस के साथ बहुत कुछ इस पूरे के पूरे एक ऐसे जहाँ कि मैंने कहा ना कि शेर को फैसिलिटेट किया जाए आइन में तो वो तो दस हिरने खाया जाएगा भाई शेयर की अपनी इंस्टिंक्ट है ना अगर आइन बनाया जाए हिरनों के हिसाब से कि हिरन का बचाया जाए तो आइन चलेगा नहीं ना भाई <laughs> तो आप देखें इस, इस लॉ ऑफ जंगल बन चुका है इस तरह से पूरी एक अपनी जो है वो आ, या लिखा हुआ कानून नहीं चलता है कोई और चीज आके चल जाती है और चलेगी ना क्योंकि लॉ सोसाइटी के अपने मैग्नेट से बन रहा होता है आप उसको भले किसी भी कैनन से देखें आयन के कैनन से देखें वैलिडिटी के कैनन से कैनन से देखते हैं वो वैलिडिटी में चला जाता है जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं उनको इस पूरी सिचुएशन का आपकी नज़र में क्या सलूशन है और जो बात जावेद साहब कह रहे थे तो मैं सिर्फ उस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि हम तब और खुदगर्जी की सोच रखते हैं और बात अदल की करते हैं हम खुद नाानसाफ़ी करते हैं और अपने लिए अदल मांगते हैं इस सोच को चेंज करें जब तक हम अदल खुद नहीं करेंगे हमारे साथ अदल होगा नहीं मेरा ख्याल है जो हमारे पूरे मुल्क की हिस्ट्री को हम सामने देखते हुए और अभी तक के जितने मसाइल पर हमने बात की है इस पे जो इदारे सिक्योरिटी के इदारे जिन्होंने जो एक कौमी सलामती को सिर्फ उस हवाले से देखते हैं कि अगर उनके ऊपर आँच आती है तो कौमी सलामती ख़तरे में पड़ती है मेरा ख़्याल है कौमी सलामती का मफहोम वसी होना चाहिए कौमी सलामती में वो भी चीज़ होनी चाहिए कि अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर भी एड्रेस किया जाए कौमी सलामती में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई <coughs> सॉरी अगर कोई कौमी इदारा तबाह हो रहा है कोई कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो है वो एड्रेस होना चाहिए सिर्फ एक ख़त लिखने को कौमी सलामती के मफहम में नहीं लेना चाहिए जो लोग जो हैं कौमी सलामती का मतलब जो है वो पूरे आवाम की जो है वो प्रोटेक्शन है अठारह करोड़ आवाम की प्रोटेक्शन है इस ज़मीन की प्रोटेक्शन है इस बाउंड्री की प्रोटेक्शन है और अवाम के राइट्स की प्रोटेक्शन है तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें वो फिर स्टेट का जो हमारा मफहूम है कि ये स्टेट क्यों है और ये अठारह करोड़ आवाम के जो राइट्स हैं वो क्या हैं उनको मिलने चाहिए तो फिर हम अपनी वो चीज़ उस डायरेक्शन को ठीक करेंगे ये जितने इशू हमने किए हैं ना डिस्कस कि वो लॉ ऑफ़ एविडेंस ख़राब है पुलिस खराब है फलाँ खराब है ये मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जाके एक जगह जमा हो जाती हैं आप एजुकेशन सिस्टम को लें हेल्थ को लें या इंसाफ के सिस्टम को लें किसी को भी लेंगे तो एक ही जगह जाके जमा हो जाएगी चीज़ क्या जी जैसे भाई ने अलीट का जिक्र किया है तो वो अलीट वो खुल के अगर हम बात करें तो वो चंद लोग हैं जिन्होंने एक तय किया हुआ है कि इस मुल्क को इस तरह चलाना है अवाम को किस तरह जाहिल रखना है किस तरह जो है वो कुछ लोगों के हाथ में पैसा रहना है किस तरह कुछ लोगों ने असम्बली में जाना है किस तरह कुछ लोगों के पास ये ज़िम्मेदारी रहनी तो मेरा ख्याल है कि पहले उस हम अपनी स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पहले पब्लिक का हो वो खास का ना हो वो आवाम का हो फिर वो कौमी सलामती का मफहम भी जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और फिर हम वो ये चीज़ें वहाँ तक हासिल करने की तरफ प्रॉपर चल पड़ेंगे भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि तीन तिकोन है जिसमें एक विश साइकिल है एक अदलिया है एक मकन्ना है, है और एक मैं समझता हूँ आमिला है ठीक है ना अच्छा ये अब मामला आप कहाँ से शुरू करें मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो मक़न्ना को इलेक्ट करती है ठीक है ना अच्छा और मकन्ना के ऊपर कंट्रोल और दो दो तरफा ताल्लुक है मक़न्ना का और अदलिया का और अवाम से डायरेक्ट ताल्लुक है अवाम एक ही काम करती है वो मकंदना को इलेक्ट करती है उसके बाद रिसीविंग एंड पर होती है अच्छा जब रिसीविंग एंड पर है तो ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि उस रिसीविंग एंड के अंदर ज़्यादती ना हो एक बात दूसरा एक मीडिया आता है जो मीडिया इन चीज़ों को खोलता रहता है और बयान करता रहता है मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि पहला कदम पहले देखिए अब ये एक्सपेक्ट करें कि अदलिया खुद ही ठीक हो जाएगी नहीं होगी आप मुकदन खुद ही ठीक हो जाएगी नहीं होगी हैं ये टू ये मल्टी वेयर रिलेशनशिप है मगर आवाम की पहली जिम्मेदारी ये है कि दयानतदार क्यादत को अलेक्ट करें यह बहुत ज़रूरी है इसके बगैर नहीं चलेगा मामला है एक दयानतदार क्योंकि अदलिया को तो इलेक्ट नहीं कर रही ना आवाम है ना जहाँ आवाम का ताल्लुक है एक दयानतदार्यादत को इलेक्ट करे ये मुकन्ना कहलाएगी अच्छा इस इलेक्शन के अंदर अदलिया का एक इंटरफ़ेरेंस है एक मुनिफाना इलेक्शन हो यह अदलिया की जिम्मेदारी आ गई ठीक है ना और ये के जो चोर हैं वो बेईमान हैं उनको इलेक्शन की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए यह दूसरी जिम्मेदारी आ गई तो ये स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा अच्छा जब एक मतलब मुकन्ना अलेक्ट हो जाती है तो मुकन्ना इस बात की अहतमाम करेगा कि गरीब तक इंसाफ कैसे पहुँचे अदलिया को फैसिलिटेट करती है पैसा देती है अदलिया को इनक्रेज करती है अदलिया को इंडिपेंडेंट करती है कि तुम अपने कामों के अंदर आ, बगैर इंडिपेंडेंस के अदलिया जो है वो बेकार हो जाती है क्योंकि फिर बगैर इंडिपेंडेंस के प्रेशर के साथ फिर वो अलीट को और मरात याफ्ता तबके को प्रोटेक्ट करने लगती है अदलिया आपका आपको मालूम है पाकिस्तान के बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं फाइनेंशियल एंड लीगल जिसके अंदर अलीट ही प्रोटेक्ट होता है है तो ये ये जो ये जो सारा सिस्टम है ये एक बैलेंस के साथ चलता है अगर ये बैलेंस आप खो दें तो ये सिस्टम फ़ेल होगा लिहाजा अवाम की ज़िम्मेदारी एक दैनतदार लीडरशिप और दैनतदार जमातों को एलर्ट करें इसमें मेरी तो जमात मौजूद है ना लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जमात को अलर्ट करो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक दानतदार लीडरशिप का फ़ैसला अवाम को करना पड़ेगा और मक़न्ना जब बनेगी अवाम की मर्ज़ी से बनेगी तो बेहतर बनेगी मगर अदलिया का कंट्रोल उस पर जो लोग कानून बनाते हैं वो खुद पहले अमल करें उसके ऊपर और उस पर दूसरों को फिर अमल करवाएँ उसके ऊपर एक बात दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अदलिया को आप मजबूत करें अदलिया से मुराद मेरी सिर्फ ये नहीं कि टॉप की बल्कि एक सिविल कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट से लेके टॉप तक कि आप उनको अगर नीचे से जा रहा है केस तो उसको ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए અને પોલીસ કે કોઈ ભી પ્રોસીક્યુશન વો કિસ તરહ અદાલત કો મજબૂત કરેગી સહી ઇન્વેસ્ટિગેશન hogi હકાઇક સામે આયેંગે ઇન્સાફ મિલેગા લોગો કો જલ્દી મિલેગા તો લોગો કા કોન્ફિડન્સ ઇત્માદ રિસ્ટોર હોગા ઇસી તરહ સે ઉપર ટોપ પે લે લે આપ વહા ભી મેરિટ પર સિલેક્શન હોગા મેરિટ પર અપોઇન્ટમેન્ટસ હોંગી ઓર જો ફેસલે આયેંગે तो उसको ये नहीं कहा कि साहब रद्दी की टोकरी में फेंक दो या उसके लिए डिलेन टैक्टिस या उसको नज़रअंदाज करें नहीं अमल करवाना चाहे कितने किसी का नुकसान क्यों ना हो तब जाके अदलिया मजबूत होगी अगर अदलिया मजबूत नहीं अदलिया जो है ये किसी भी माशरे में एक आखिरी रिफ्यूज होती है आखिरी होप होती है अगर आप इसको ही कमज़ोर करेंगे इसको मजबूत नहीं करेंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे फिर वो लॉ ऑफ जंगल शुरू हो जाएगा स्ट्रीट्स पे लोग होंगे क्राइम करेंगे तीसरी चीज़ ये देखिए मस रेप के केसेस होते हैं आपके मुख्तार मई का केस था या कोर्ट क्या था नतीजा क्या हुआ कि जनाब अब उसमें सोच रहे हैं क्या फैसला करें भाई ये हो गया ओ ह्यूमन राइट्स के जनाब एन जी ओज भी आ गए कि साहब ये तो नहीं हुआ इंटरनेशनली उसको हो रहा है ये एक मिसाल पेश कर रहा हूँ कि इसकी वजह क्या थी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई एक तीसरी चीज़ है कि तालीम को आम करें तालीम को सही खतूत पर उसको आम करें उसमें सिर्फ ये तालीम नहीं कि सर एक किंडर गार्डन या को नहीं कानून की तलीम भी होनी चाहिए मजहबी तालीम भी होनी चाहिए जिससे कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो है वो आए ताकि ये तमाम जो शदत पसंदी का रोग है ये सब ख़त्म हो जाए एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है इकनॉमिक जस्टिस हम जिस दुनिया में रहते हैं जिस पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ के कोर्टों ने नहीं इस तरह किया पाकिस्तान को जनरल जालक ऐब नया जो भी जमहूरियत आमरीतों ने इस तरह नहीं किया उसमें हमारा राय बहादुर अमेरिका भी हमारे इस पूरे क्राइम में हमारे साथ था कल वो अफगानिस्तान की जंग लॉड रहे थे कि जी अमेरिका के कैपिटलिज्म को बचाओ एक गरीब कहता है कि वो जो तुम सूरज कहते हो वो सूरज नहीं वो तो रोटी नजर आती है वो जिसका पेट खाली होगा उसको तो रोटी नजर आएगी ना क्राइम तो होगा ना जी।, जी जब आप भूखे पे ले जाओगे जब उसको गार में उठा के अमेरिका की सिविल सोसाइटी से लेके लेके जब क्लेमिटीज़ आएँगे शेखयासंदगी हमारे शायर हैं कहते हैं दबा बिना ढ्ब बिना ढोला ना है सानिया सूच मेरे पेट में रोटी नहीं और तुम कहते हो खूबसूरती की बातें करो भाई इकनॉमिक वेलफेयर और वेलफेयर 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 पाकिस्तान की पेट्राइटम है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत स्लो जाता है इसकी इस, इस, इस बीमारी की जो जला है वो इतनी मतलब अजीब है कि उसका अपना एक प्रोसेस ठीक है ना नहीं लीड से जान छुड़ाने का तरीका नहीं है कि एक आमिर को आने दिया जाए मर जाएंगे एक तरीका मुस्तकीम वाला ही है हर, हर राह उधर को जाती है मक्तल से गुजर के जाती है यहाँ बने हैं अहल निसार बंदई भी और भी किसे वकील करें किसे मुनसफी चाहें ये पूरे के पूरे सिस्टम में आप इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करो भाई लोगों की रोटी लोगों के सिक्योरिटीज़ जो वेलफेयर सिक्योरिटीज़ हैं उनको लाओ तो कानून इम्प्लीमेंट होगा वरना नहीं बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और इन आप लोगों से फिर बात होती रहेगी और हमारे नाजरीन जो हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और ग़ौर फिक्र करेंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज क्यों ना हम बहसीत कौम एक फैसला करें कि पाकिस्तान को हमें अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है या पाकिस्तान को बचाना है अगर बचाना है तो नीयत तो करें कि मुल्क बचाना है क्योंकि जब तक अदल कायम नहीं होगा ना हमारा माशरा सुधरेगा ना इसमें अमन होगा ना खुशहाल होगा जब तक अदल हमारे मुल्क में ख़रीदा और बेचा जाता रहेगा जब तक अदल पर शक होगा हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता आज जो हमारे मुल्क में सियासत नज़र आती है तो ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों पे परदा डालने के लिए तोज्जो हटाने के लिए बड़ी महारत से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं एक दूसरे की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया जाता है कानून की गिरफ्त से बचने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं मुल्क कमज़ोर होता जा रहा है अवाम शदीद मसाहब का शिकार हैं, दुनिया हम पर खौफनाक इल्ज़ाम लगा रही है गैरतमंद कौमें तो कुर्बानियाँ देती हैं हम सिर्फ अगर माफ़ी ही मांग लें तो अल्लाह माफ़ कर देगा इस कौम से कहें तो ये कौम भी माफ़ कर देगी जब कौम के बड़े गलतियाँ करते हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते तो वो कौम के वजूद को ही खतरे में डाल देते हैं तारीख हमें सिखाती है कि कौमें गलतियों से नहीं गलतियों पर कायम रहने से बर्बाद होती हैं आज अगर हम अपना कौमी रवैया देखें तो ऐसा लगता है कि हम इस मुल्क में किराएदार बन कर रह रहे हैं वो भी वो किराएदार जो किसी और मुल्क से आया हो जिसका ना घर से ना पड़ोस से ना शहर से ना मुल्क से कोई वास्ता है वो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए रह रहा है अब इस सोच के साथ आप खुद सोचिए जिस कौम का ये रवैया होगा उस मुल्क की हालत कैसे बदल सकती है अल्लाह उस कॉम की हालत बदलता है जो सच्ची हो जो मुखलिस हो जिसे खुद अपनी हालत बदलने की फ़िक्र हो तो फिर अल्लाह उस कौम को अदल पर ले आता है अदल मांगने से अदल नहीं मिलता अदल करने से अदल कायम होता है अदल मांगना इंसान की फ़ितरत है अदल करना ज़रफ़ की बात है अदल सबसे पहले अपनी नफ्स पर यानी अपनी ज़ात पर नाफिज होता है फिर हकूक़ पर अदल नाफ़ज होता है फिर कानून पर अदल नाफज होता है जब अदल कानून पर नाफज हो जाता है तो खो लोग खुद ब खुद कानून के पाबंद भी बनते हैं और एक महजब माशरा वजूद में आ जाता है अल्लाह तर नाम कहता है हमें हुक्म देता है कि या यूह आमनू है वो लोगों जो ईमान लाए क़ूनों को अमीना बिलकस्त शहदा अल्लाई तुम कायम हो जाओ इंसाफ़ पर और अल्लाह के लिए शहादत दो यानी अपनी नफ्स पर अल्लाह को गवाह बनाकर जो गवाही है वो अदल की शुरुआत है ये अदल हमें यकीन भी दिलाता है कि हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी हाँ सब के हकूक बराबर हैं सब का तहफ़ होगा ये अदल जो है हमें कॉन्फिडेंस देता है हमारा एतबार बहाल करता है मुल्क के निज़ाम पर से हमारे अंदर मुल्क की मोहब्बत भी पैदा करता है कुरबानी का जज्बा भी पैदा करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने मुल्क को ओन भी करें इसके ज़र्रे से वफादार रहें इसके ज़र्रे ज़रे की हिफाज़त करें इस तरह हम अपने मुल्क के वकार को और इसकी इज़्ज़त को पूरी दुनिया में बुलंद कर सकते हैं इजाज़त दीजिए अल्लाह